मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है? A uniform horizontal plank is resting symmetrically in a horizontal position on two cylindrical drums which are spinning in opposite direction about their horizontal axis with equal angular velocity. आप डायग्राम देखो, उसे कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है? The distance between the axis is 2L, जो कि डायग्राम में मार्क किया है. The coefficient of friction between the plank and the cylinder is mu. Okay. The plank is displaced slightly from the equilibrium position along its length and released. Show that it performs SHM. Calculate the time period of SHM. ये आपको find out करनी है. अब एक चीज जस्ट यहाँ पे सोचें कि जैसे plank stationary अभी फिलहाल equilibrium में पड़ा हुआ है, मतलब stationary है वो, और दोनों cylinders जो हैं वो spin कर रहे हैं. तो obviously point of contact में slipping हो रही है. और अगर point of contact में slipping हो रही है, इसका मतलब kinetic friction वहाँ पे add कर रही होगी. काइनेटिक फ्रिक्शन जब आप ऐड कराओगे यहाँ पे, तो फिर सिंस अगर आप देखोगे तो प्लैंक के रिलेटिव जो ड्रम है उसका जो सर्कमफेरेंस का पॉइंट है उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली मार्क करो v इक्वल टू ओमेगा r. तो लेफ्ट वाला जो ड्रम है उसका देखोगे टॉप में सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखोगे तो वो राइट की तरफ आएगी और v इक्वल टू ओमेगा r. तो इसमें स्लिपिंग जो हो रही है वो राइट की तरफ हो रही है ड्रम के सरफेस का, तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी वो लेफ्ट की तरफ लगेगी, एंड वो एक्शन रिएक्शन की तरफ फिर जब प्लैंक पे लगेगा तो राइट हो जाएगा. तो यहाँ पे उसको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करो यहाँ पे कि इस पे मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन आपकी लेफ्ट की तरफ लगेगी और प्लैंक पे यही फ्रिक्शन आपकी राइट की तरफ लगेगी, सही है? ठीक है. और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, राइट? समझ आ रही है आपको? ये काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है? नॉर्मल रिएक्शन पे, राइट? सो डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी. सो लेट अस से दिस नॉर्मल रिएक्शन इज एन, ठीक है? अब सेम चीज आप लेफ्ट राइट वाले सिलेंडर्स के लिए भी देखो. राइट वाले सिलेंडर का ये जो सर्कमफेरेंस वाला पॉइंट है वो इधर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब प्लैंक के रिलेटिव उसके स्लिपिंग लेफ्ट की तरफ है, तो इसलिए उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी और वो राइट की तरफ लगेगी. तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमने राइट की तरफ लगा दिया यहाँ पे, सो इसके ऊपर हम फ्रिक्शन राइट की तरफ लगा रहे हैं. सो दिस काइनेटिक फ्रिक्शन अगेन, एंड यही फ्रिक्शन एक्शन और रिएक्शन की तरफ प्लैंक के ऊपर जब लगेगा तो ये राइट की तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा, तो इसको मैं लेफ्ट की तरफ लगता हुआ दिखा रहा हूँ. सो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन अगेन एक्टिंग हियर, एंड ये भी यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंडेंट होगा. आप अगर देखोगे तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आप सेम ही चूज करोगे. क्यों नॉर्मल रिएक्शन सेम चूज करोगे? क्योंकि आप देखोगे तो ये प्लैंक सिमेट्रिकली रखा होगा तभी इक्विलिब्रियम पे पड़ा होगा, राइट? आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास इसकी यहाँ पे होगी, लेट अस से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसकी, तो यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी mg एड कर रही होगी, एंड ये अगर सिमेट्रिकली लगेगा, सिमेट्रिकली मतलब इधर से प्लेस होगा, मतलब इधर से डिस्टेंस l और इधर से डिस्टेंस l, तभी ये इक्विलिब्रियम में पड़ सकता है. अगर अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास किसी भी एक तरफ सपोर्ट की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा तो आपको पता है वहां से नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा आएगी. आपको याद है ये सब कंसेप्ट आपने पहले सीखा हुआ है कि अगर दो सपोर्ट मिलकर अगर किसी प्लैंक को या किसी चीज को सपोर्ट करते हैं तो जो सपोर्ट आपका सेंटर ऑफ मास के क्लोजर होता है उसमें रिएक्शन क्या मिलती है? आपको ज्यादा मिलती है. तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल डिस्टेंस में होंगे तो नॉर्मल रिएक्शन सेम मिलेगा, और नॉर्मल रिएक्शन सेम मिल रहा है तो फ्रिक्शन भी आपको सेम मिलेगा, और फ्रिक्शन सेम मिलेगा तभी ये क्या सकता है, इक्विलिब्रियम में रह सकता है. अगर फ्रिक्शन सेम नहीं मिलता तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता. देखो इधर का काइनेटिक फ्रिक्शन और इधर का काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर मान लेते हैं ये दोनों डिफरेंट होता, एक F1 होता दूसरा F2 होता, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रह पाते? नहीं रह पाते, राइट? है ना? तो उस केस में क्या करता है, एक्सेलरेट कर जाता. तो अभी फिलहाल के लिए द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अब आपको क्या करना है, इसमें SHM प्रूव करना है. तो SHM के लिए हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में इस प्लैंक को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे, और डिस्प्लेस करा के हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि उस डिस्प्लेस पोजीशन पे जो नेट फोर्स आ रही है दैट नेट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. बस ये आपको प्रूव करने की जरूरत है. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं. अब देखो यहां पे I'll just redraw this diagram once. इस बार हमको थोड़ा सा just थोड़ा सा displace करके बनाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अभी इन सबको हटा रहा हूँ, यहाँ पे markings आए क्योंकि पहले की markings हैं. अब हमें displace करके फिर marking नई marking दिखानी है. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं पहले. सो मान लेते हैं इसको हमने x से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? दिस हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x. तो सेंटर ऑफ मास भी ऑब्वियसली आपका x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पे आ गई है, मान लेते हैं. वैसे अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ चुकी है. दिस इज द न्यू लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. पहले ये यहाँ पे थी, दिस वॉज द इनिशियल लाइन, एंड इधर से इधर मैंने x डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर रखा है. आई होप आपको डायग्राम समझ आ रही है. डायग्राम समझ आ रही है आपको? हाँ सर. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है ये है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, तो वेट तो यहीं से ऐड करेगा. सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट. एंड इस बार देखोगे तो राइट वाला जो सपोर्ट है ड्रम का दैट इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ मास, राइट? है ना?
और अगर राइट वाला ड्रम क्लोजर है इसका मतलब वहां से नॉर्मल रिएक्शन क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी राइट right? तो मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन मुझे इस बार ज्यादा मिलने वाली है, तो इसको मैं नॉर्मल रिएक्शन एन वन कह लेता हूँ। एंड इसके अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पे फ्रिक्शन दिखाऊंगा तो ये फ्रिक्शन को मैं एफ वन लिखूंगा। सिमिलरली इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहे हैं, दिस इज एन टू, एंड यहाँ से एक फ्रिक्शन दिखाएंगे तो ये एफ टू आएगा। ठीक है, ये श्योर होकर कह सकते हैं कि इस बार एन वन इज ग्रेटर देन एन टू एंड दैट्स व्हाई एफ वन विल बी ग्रेटर देन एफ टू, कह सकते हैं राइट? एन वन ग्रेटर देन एन टू क्यों? सिंस राइट सपोर्ट इज क्लोजर टू सी वन, इज क्लोजर टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एंड देयरफॉर आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन एफ वन जो होगी वो म्यू टाइम्स ऑफ एन वन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एफ टू जो होगी वो म्यू टाइम्स ऑफ एन टू शोज नेट फोर्स। जब हम लिखेंगे नेट फोर्स विच इज एफ वन माइनस एफ टू and that will be mu times of n1 minus n2 and that will be towards left। समझ आ रही है आप सभी को? यहां तक समझ आई? हां सर। यही आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है क्या? क्या यही रिस्टोरिंग फोर्स है? है या नहीं है? राइट, एफ वन माइनस एफ टू जो नेट फोर्स आ रही है वही उसको रिस्टोर कराने की कोशिश करेगा। देखो हमने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया और लेफ्ट की तरफ फोर्स आ रही है, तो हमको बस अब ये प्रूव करने की जरूरत है कि ये जो नेट फोर्स आ रही है ये नेट फोर्स आपकी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। दैट्स इट। अब एन वन एन टू का वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो काम खत्म। एन वन एन टू तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप। आपको पता है कि टॉर्क बैलेंसिंग करेंगे अगर आप, क्योंकि यू नो रॉड मतलब वर्टिकल प्लेन में टर्न तो नहीं कर रहा है, ऐसे तो टर्न नहीं कर रहा है, ये बेसिकली आगे पीछे कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है ना, राइट? इट इज नॉट टर्निंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कंडीशन लिखिए। सो देयरफॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कंडीशन अगर आप लिखोगे सो एन वन इन टू, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अभी, व्हाट विल दिस डिस्टेंस बी? एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स, ठीक है ना, एंड व्हाट विल दिस डिस्टेंस बी? एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एन वन इन टू एल माइनस एक्स should be n2 into l plus x, सही लिखा मैंने? ठीक है, right? हाँ सर। Also आपको ये भी पता है कि n1 और n2 का जो sum होगा वो mg के equal होगा, correct है? Correct है? हाँ। तो यहाँ से n1 की value को हम directly निकाल सकते हैं, so या आप वैसे भी कर सकते थे, आप मतलब directly इस पॉइंट के ऊपर बैठ के भी टॉर्क लिख सकते थे तो भी सेम ही चीज होता, क्योंकि प्लैंक को हम थिन मानेंगे तो इवन इफ दिस पॉइंट इज एक्सेलरेटेड पॉइंट, तो एक्सेलरेटेड पॉइंट होने की वजह से जब आप सूडो फोर्स कंसीडर करोगे, जैसे ये प्लैंक को लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट है, तो आप यहाँ बैठ के भी अगर टॉर्क कैलकुलेट करते तो सूडो फोर्स इसमें राइट की तरफ आता, तो वो सूडो फोर्स क्या होता उस प्लैंक के उस पर्सन मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू पास कर जाता और उसके लिए कोई सूडो फोर्स का टॉर्क नहीं आता। तो एन वन का डायरेक्टली आप टॉर्क इधर देखते तो एन वन का टॉर्क इस डिस्टेंस से आता और एम जी का टॉर्क इस डिस्टेंस से आता और उनको बैलेंस करके आप डायरेक्टली एन वन भी निकाल सकते थे, और सिमिलर तरीके से आप एन टू भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट ठीक है आपको यही स्ट्राइक करती तो इसलिए मैंने पहले ऐसे ही किया है। सो एन वन की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली है, यहां से एन वन अगर निकाले तो दैट विल बी इक्वल टू एन वन और एन टू का रेशियो है एल प्लस एक्स बाई एल माइनस एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इज एल प्लस एक्स बाई एल प्लस एक्स प्लस एल माइनस एक्स एंड दिस मल्टीप्लाइड विद एन वन प्लस एन टू विच इज एम जी, इसको डायरेक्टली एम जी लिख देते हैं। ठीक है, सो दिस गेट्स कैंसिल आउट एंड यहां से आपको n1 की वैल्यू मिल गई, दिस इज l प्लस x बाय 2l एंड दिस मल्टीप्लाइड विद m एंड सिमिलरली n2 की वैल्यू भी आप निकालोगे तो यही आती l माइनस x बाय 2l एंड दिस मल्टीप्लाइड विद mg। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे, सो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो नेट फोर्स जो आ रही है जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी म्यू टाइम्स ऑफ mg कॉमन कर लिया है एंड डिवाइड बाई 2l भी कॉमन कर लिया है और n1 माइनस n2 करना है आपको, तो n1 माइनस n2 करोगे तो n1 n2 का डिफरेंस ले लो आप l प्लस x माइनस l माइनस x, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहां से ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया एंड फोर्स को आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा इसको म्यू जी बाय म्यू एम जी बाय 2l इनटू x कर लिया, अच्छा 2 तो कैंसिल आउट हो गया सॉरी l इनटू x कर लिया, ये m और ये m कैंसिल आउट हो गया। आप अगर नोटिस करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने प्रूव कर ली है, दिस इज म्यू जी बाय l एंड दिस मल्टीप्लाइड विद x, दिख रही है SHM प्रूव हो गया है, हो गया प्रूफ है इसमें? हाँ सर। और ये टर्म क्या हो गया आपका, ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो टाइम पीरियड चाहिए तो कितनी हो गई है 2 पाई l बाय म्यू जी, क्लियर है सभी को? हाँ सर। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद इट।
हाँ सर ठीक है आगे बढ़ जाए हाँ सर ठीक है हाँ सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करते हैं क्वेश्चन रीड आउट कर लेते पहले अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ मास एम फ्री टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ सॉलिड सिलिंड्रिकल मास ऑफ सिलेंडर ऑफ मास 2m एंड रेडियस r द प्लैंक इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड वॉल बाय मींस ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द सिलेंडर एंड द प्लैंक एंड बिटवीन द सिलेंडर एंड द ग्राउंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ओके इसको करते हैं अभी देखते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये सिचुएशन है हमारा हमें क्या करना है इसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करनी है करते हैं सबसे पहले है कि आप अगर मान लो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ये दिस इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन फिर आप क्या करते हो इक्विलिब्रियम से आप क्या करोगे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे और डिस्प्लेस करने के बाद आप किसी तरह से ये प्रूव करने की कोशिश करोगे कि उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट राइट यही आपको प्रूव करना होगा तो अभी हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि इसको हमने क्या किया है इस पोजीशन से ये जो इसका इनिशियल पोजीशन है इससे हमने क्या किया इसको इधर से थोड़ा सा एक्स की तरफ डिस्टेंस आपने पुश कर दिया ठीक है सो दिस इज द न्यू पोजीशन आप ऐसे सोचो तो ऐसे मान लेते हैं ये हमारा प्लैंक का नया पोजीशन है ऐसा सोचो सर इसमें हम स्फीयर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते स्फीयर भी ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस होगा ना क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मतलब सर आपने तो यहाँ पर प्लैंक को डिस्प्लेस किया और उसके साथ जो स्फीयर है वो डिस्प्लेस हो रहा है पीछे होना चाहिए यहाँ पर अरे मैं कह रहा हूँ कि उल्टा वाला चीज पर तो क्या एक ही चीज होगा अरे दे आर कनेक्टेड नो ये तो इसी बात हो गया ना मैं अगर अगर सिलेंडर को भी डिस्प्लेस करता तुम बोलते प्लैंक को क्यों डिस्प्लेस किया ये तो तुम दोनों भी में क्वेश्चन फ्रेम पूछ सकते हो हाँ सर But तो there तो मेरे लिए फर्क क्या पड़ेगा? Can I do anyone, sir? Let's... Yes, you can do any one of them. Okay, sir. You can do any one of them. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मतलब जैसे ये दोनों कनेक्टेड हैं और जब ये इधर राइट की तरफ जा रहा है तो सिलेंडर भी उसके साथ राइट की तरफ ऑब्वियसली रोल करता हुआ जाएगा फिर जब ये लेफ्ट की तरफ आएगा तो ये भी करेगा तो दोनों का ही तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम आने वाला है हाँ तो फिर अलग कैसे आ सकता है तो किसी को भी ये तो वही बात होगी कि मैं सिलेंडर को करता बोलते कि प्लैंक को क्यों नहीं किया तो किसी कोई एक तो मैं करके करूंगा ना भाई एंड जो आसान दिख रहा है आप वही करते हैं अब ये है कि प्लैंक जो है आपको सिर्फ ट्रांसलेशन में दिख रहा है और नीचे वाला जो ड्रम है वो आपको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में दिख रहा है आपको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन वाला करना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है अगर स्टेज में ही तो आप करिए उसको मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बट आप कर सकते हैं उसको बट एनीवेज ठीक है सो अभी मैं यहाँ पे इस प्लैंक को भी नए पोजिशन पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे सो लेट अस से हमारा प्लैंक यहाँ पे आ चुका है दिस इज द न्यू पोजिशन ऑफ द प्लैंक ठीक है आपकी स्प्रिंग ऑब्वियसली यहाँ से कॉम्प्रेस हो चुकी होगी ठीक है x से कॉम्प्रेस मतलब अगर मैंने x को डिस्प्लेस किया तो x से आपकी स्प्रिंग भी क्या होगी कॉम्प्रेस हो जाएगी तो स्प्रिंग ऑब्वियसली इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा सो मैं यहाँ पे एक फोर्स दिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्प्रिंग इसके ऊपर एक पुशिंग फोर्स लगा रहा होगा k टाइम्स ऑफ x का पुशिंग फोर्स लगा रहा होगा करेक्ट है करेक्ट है yes, sir. हाँ, sir. ठीक है अब इसमें प्लैंक का जो मतलब जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे तो स्लिपिंग नहीं हो रही है ना तो ऊपर के सर्फेस पे स्लिपिंग हो रही है ना तो नीचे के सर्फेस पे स्लिपिंग हो रही है बट एक चीज देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऊपर वाले सर्फेस पे आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन तुरंत बता सकते हैं कैसा है कैसे बताएंगे जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो प्लैंक है ये तो लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो पक्का है ना राइट राइट तो पक्का है ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा अगर ये मतलब प्योर रोलिंग पे है राइट क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब ये वाली पॉइंट अगर राइट की तरफ इसका मतलब सॉरी लेफ्ट की तरफ इसका भी एक्सेलरेशन है इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ आएगी राइट हाँ सर और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर इस तरफ आनी है तो इसका मतलब टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए उसके ऊपर क्योंकि जिस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगी उस डायरेक्शन में टॉर्क होना चाहिए हाँ सर तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के टॉर्क कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि ये तो आईसीआर ही आपको पता चल ही रहा है क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट स्लिपिंग सो दिस इज आईसीआर तो एमजी का वैसे कोई टॉर्क नहीं है नॉर्मल रिएक्शन का कोई टॉर्क है नहीं तो एक ही कल्प्रिट बचता है ना जो उसको वो टॉर्क देगा राइट हाँ सर तो यहाँ का फ्रिक्शन ही देगा यहाँ का ही फ्रिक्शन देगा राइट फ्रिक्शन फोर्स हाँ मतलब इस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको पता चल गया इधर है तो प्लैंक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चल गया इधर है अंडरस्टूड
ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते थे। बट मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर इतना दिमाग नहीं चलता है तो रोलिंग में फ्रिक्शन का डायरेक्शन को लेकर इतना ज्यादा सोचने का नहीं है, आप किसी भी एक डायरेक्शन में लेकर करिए। कैलकुलेशन में अगर पॉजिटिव आता है समझ जाना कि यहाँ तुम्हारा डायरेक्शन सही है, अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब डायरेक्शन उल्टा था और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी आपको ये सब चीज एनालिटिकली समझ आना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लें कि किस तरफ आ रहा है तो फिर आपको कैलकुलेशन में मतलब टाइम ज्यादा वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। बट सिंस स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसलिए ये फ्रिक्शन का नेचर जो होगा वो स्टैटिक होगा। यहाँ के फ्रिक्शन को मैं F1 मान लेता हूँ और वही फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे उस रोलिंग ड्रम के ऊपर यहाँ पे F2 दिखा रखी है, ठीक है। ये रोलिंग ड्रम के ऊपर मैंने फ्रिक्शन F1 ही दिखाना है, F2 क्यों दिखाया है, F1 दिखाना है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स है, ठीक है। MG तो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज है कि ये सिलेंडर वही नहीं रहेगा, मैं सिलेंडर को थोड़ा शिफ्ट करके दिखाई देता हूँ, नहीं तो फिर आप सोचोगे सिलेंडर कैसे नहीं शिफ्ट किया। जस्ट अ सेकंड, मैं सिलेंडर को शिफ्ट करना भूल गया। तो ये एक नया सिचुएशन है, इसका नया लोकेशन है, रादर यहां से 2mg एक्ट करेगी, दिस इज बी 2mg एंड फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन ऑलरेडी आपको समझाया था, यहाँ पे फ्रिक्शन F1 दिखा रहे हैं, वही फ्रिक्शन यहाँ पे हम एक्शन रिएक्शन की तरह F1 दिखा रहे हैं। यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आने वाली है एंड इस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, दिस इज F2, ठीक है। F2 जो होगा वो भी स्टैटिक होगा, F1 जो होगा वो भी स्टैटिक होगा, दोनों का ही नीचे जो है आपका स्टैटिक ही है, ठीक है ना, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जैसे कंसेंट रिलेशन देखो, ये अगर x से डिस्प्लेस करता है तो क्या ये भी x से डिस्प्लेस करेगा या डिफरेंट अमाउंट से डिस्प्लेस करेगा? सेंटर की बात कर रहा हूं, x से ही करेगा सर, x से ही करेगा सबका, वही तो ना, x से नहीं डिस्प्लेस करेगा, जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट वो डेफिनेटली x से ही डिस्प्लेस करेगा, तो x/2 से करेगा, क्योंकि आप ऐसे सोचो ना, इसको रोलिंग से कोरिलेट करो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब सोचो अगर ये चीज रोल करती है, इमेजिन करो ये रोल करती है, तो आपको नहीं पता कि अगर मैं इसको सपोजली इधर से इसकी वेलोसिटी अगर v दिखाता हूं तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है? 2v नहीं होती है, 2v होता है, नहीं होती है? ओह अच्छा, हां सर अभी आता है ना, सो इसलिए ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये पक्का है, ये आपकी x नहीं आएगी, x/2 आएगी, समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो अगर आप ये सिलेंडर के लिए, अगर आप ये सिलेंडर के लिए SHM प्रूफ करना चाहते हैं तो सिलेंडर के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू x/2 है, आपको बात समझ आ रही है, एंड नॉट नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, समझ आ रही है? हाँ सर। और अगर आपको प्लैंक के लिए प्रूफ करनी है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, डिफरेंस समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ठीक है। तो बस यही काम करना है आपको, अब ये तो बच गया बस इतना ही। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करता हूँ, ठीक है, जस्ट अब कैलकुलेशन ही बचा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे इस डायग्राम में, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे प्लैंक का एक्सेलरेशन को मैंने कुछ भी एक a मान लिया है, ठीक है, और इस जो सिलेंडर है अपना उसकी एक्सेलरेशन को मैं ac मान लेता हूं, और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए मैं एक अल्फा चूज कर लेता हूं, ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो प्योर रोलिंग का कंडीशन पहला क्या होगा, ac हैज टू बी इक्वल टू अल्फा, ये पहली कंडीशन है प्योर रोलिंग की। दूसरी कंडीशन क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो ac प्लस अल्फा r व्हिच इज बेसिकली 2ac, that has to be equal to a, correct है ना? I hope आपको समझ आ रही है, constraint वगैरह समझ आ रही है? हाँ सर, ठीक है। अब अगर मैं plank के लिए, अगर पहले cylinder के लिए लिख लेते हैं, cylinder के लिए अगर आप net torque equal to I alpha लिखोगे with respect to ICR, this is ICR, so मैं torque with respect to ICR equal to moment of inertia with respect to ICR into alpha लिख रहा हूँ, ठीक है, values को substitute करें तो F1 का ही टॉर्क आएगा, MG का तो कोई टॉर्क है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन का भी कोई टॉर्क नहीं है, यहाँ पे भी ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब इधर पे भी प्लैंक के ऊपर भी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, ये एन डैश मान सकते हैं, बट इसके इससे देखो कोई टॉर्क नहीं आ रही है, दिख रही है आपको, कैन यू सी यहाँ से कोई टॉर्क नहीं आ रही है, कैन यू सी यहाँ से कोई टॉर्क नहीं आ रही है, लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, हाँ वो ICR से ही पास कर जा रही है, ठीक है, नहीं नहीं ICR से पास कर जा रही है ना, सिलेंडर के लिए देखेंगे तो आप, तो F1 into 2R ये टॉर्क है, and that has to be equal to 3/2 mr square, right? Center के about mr square by 2 होती है, तो plus mr square parallel axis theorem use किया and into alpha कर लिया, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो F1 की value आपको यहाँ से मिल गई है, F1 is coming out to be 3/4 times of m into ac आ गई है, this is your third equation, ठीक है,
अब इसको हम क्या यूज करेंगे, अब हम जो अपना क्या बोलते हैं इसको प्लैंक है उसके लिए यूज करते हैं। तो प्लैंक के लिए अगर आप देखोगे, फॉर प्लैंक नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करोगे, एफ नेट अगर कैलकुलेट करेंगे आप, तो नेट फोर्स मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है, रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज कमिंग आउट टू बी के एक्स माइनस ऑफ एफ वन, करेक्ट है ना? करेक्ट है, हमने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया तो लेफ्ट की तरफ हमें फोर्स निकालनी है, तो इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं अपन के एक्स माइनस ऑफ एफ वन को लिख रहे हैं, दिस इज थ्री फोर्थ ऑफ एम इन टू ए सी, एंड ए सी को मैं ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, सो दिस विल बी ए बाई टू, करेक्ट है? करेक्ट है, हाँ सर। एंड रिस्टोरिंग फोर्स को फिर आप क्या लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो, राइट? उसका एक्सेलरेशन हमने ए चूज किया था, तो यहां से अगर आप देखोगे तो वैल्यू आ रही है एम ए प्लस थ्री बाई एट एम ए, एम ए प्लस थ्री बाई एट एम ए इज इक्वल टू के एक्स आ रही है, करेक्ट है? सो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, सो देयरफॉर वैल्यू आ गई आपके पास ठीक ही तो है, सो यहां से आ रही है एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 8 बाई 11 इंटू के बाई एम इंटू एक्स आ रही है, क्लियर है? एसएचएम प्रूव हो गया, प्रूव गया ना एसएचएम? हां सर। और ये वाली जो टर्म है क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, सो देयरफॉर टाइम पीरियड बिकम 2 पाई रूट 11 एम बाई 8 के, 11 एम बाई 8 के, हां सर। एक बार जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लेते क्योंकि मुझे लगता है आंसर शायद ये नहीं था क्योंकि पहले किया हुआ है, तो एक बार जस्ट से कैलकुलेशन एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं, जस्ट से मुझे थोड़ा सा चाहिए थी एफ वन इंटू टू आर, ठीक है, ये तो टॉर्क है, इधर का टॉर्क नहीं आएगा, इधर का टॉर्क नहीं आएगा, एमजी का टॉर्क नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन इंडेक्स का टॉर्क नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क है, सो एफ वन इंटू टू आर शुड बी थ्री बाई टू एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फा, करेक्ट है, सो एफ वन बिकम्स थ्री बाई फोर एम इंटू अल्फा, अल्फा इज ए सी, करेक्ट है, एंड ए सी वॉज a by 2, वो भी करेक्ट है, सो ac की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए a by 2 आ गई है, करेक्ट है, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, सो m a plus 3 by 8, ठीक ही तो आ रहा है, पता नहीं याद, मेरी याददाश्त खराब होगी मुझे लगता है, चलो एनीवेज ठीक है, अभी एक इसका ऑल्टरनेटिव तरीका देखते हैं, ठीक है, लेट अस ट्राई एन ऑल्टरनेटिव वे, using energy conservation method, ये वाली method मैंने जो आपके general classes थे उसमें discuss नहीं किया, but energy conservation method भी आपका एक तरीका होता है किसी भी oscillating system का time period calculate करने का। उसमें क्या करते हैं हम, जैसे जब हम displaced position दिखाते हैं तो एक random से displaced position पे उस object के लिए जो भी oscillating system है आपका, उस oscillating system के लिए आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू लिखते हो। आपको पता है ना एसएचएम में कोई भी चीज जब एसएचएम ऑसिलेट कर रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है जिसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, राइट? एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो सारा का सारा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, मीन पोजीशन में आता है तो सारा का सारा क्या होता है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, बट इन जनरल किसी एक रैंडम लोकेशन पे लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या होंगे, पोजीशन के फंक्शन आएंगे और वो दोनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट? है ना, राइट? हाँ सर। अब इसमें ही क्या करना होता है आपको, व्हाट यू नीड टू डू ओवर हियर इज कि कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसमें आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी का जो भी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है ट्रांसलेशन हो सकता है ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन हो, या हो सकता है प्योर रोटेशन ही, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनका सम लिखो और इसको आप कॉन्स्टेंट दिखा दो। ये पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेटली आपका एक्स का स्क्वायर टर्म होगा, कहीं ना कहीं एक्स का स्क्वायर टर्म आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि एसएचएम में तो एक्स का स्क्वायर टर्म आना ही है, राइट? आपको लिखने का वो तरीका ढूंढना पड़ेगा किसी तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्म होगा, कुछ हाफ के एक्स स्क्वायर का फॉर्म होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्म होगा, राइट? इन दोनों का सम आप करेंगे कॉन्स्टेंट आएगा, राइट? जब आप इसी को डिफरेंशिएट करोगे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2v into acceleration, right? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x into velocity, 2x into, हाँ सर, velocity, बीच में कुछ कुछ कॉन्स्टेंट भी होंगे, यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट होगा, इक्वल टू जीरो, ऐसे कुछ आएगा, ये वेलोसिटी देखो यहाँ से कॉमन आउट होकर कट जाएगा, आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू पोजिशन आ गया है नेगेटिव के साथ, दिख रहा है आप सबको, SHM का कंडीशन आ गया, तो यहाँ से भी आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ आ रही है ये वाला मेथड,
कई जगह पे ये इजी लगेगा, कई जगह पे ये डिफिकल्ट भी लगेगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, बट आपको आइडिया तो समझ आ गया ना कि हम क्या करने वाले हैं? क्या आपको आइडिया समझ आ गया? हमें क्या करना है इसमें, क्या फॉलो करना है, वो चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? वी नीड टू चूज अ रैंडम पोजिशन एक्स, वी नीड टू चूज अ रैंडम पोजिशन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू the mean position and take variables for velocity or angular velocity and then write total mechanical energy, which is kinetic energy plus potential energy, and this sum has to be a constant. So therefore, differentiating it with respect to time will give us acceleration proportional to negative of x, or agar angular system hoga to अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, अरे यार प्रोपोर्शनलिटी और अल्फा सिंबल एकदम बिल्कुल एक हो जाते हैं, अल्फा डैश कर दीजिए ना तो समझ में आ जाएगा, ऐसे अल्फा लिख दीजिए तब बहुत डाइसी हो जाता है अल्फा ऐसा प्रोपोर्शनल टू थीटा ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? मैं लिख देता हूं ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन, आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, and this is proportionality symbol, ठीक है? ये negative stuff है, proportional, ठीक है? I hope आपको समझ आ रही है ना, ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है? बस आपके ये आपका आराम से approve हो जाएगा, और जैसे ही approve हो गया तो काम खत्म हो गया। इसको एक बार try करते हैं इस जगह पे use करने के लिए, ठीक है? इस question में एक बार try करते हैं। ओहो अच्छा 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 अच्छा, देखो ये मेरा यादाश्त सही है था। इस सिलेंडर का मास कितना है? मुझे लग रहा है मेरा यादाश्त इतना खराब हो गया क्या, कुछ समझ नहीं, 3/2 हो जाएगा। हाँ तभी मैं बोलूं यार यादाश्त क्या हो गया मेरी इतना, मैंने वैसे मेरी यादाश्त बहुत खराब है, मैंने ये नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी यादाश्त अच्छी है, बट इतनी भी खराब नहीं है कि न्यूमेरिकल्स का इतना खराब वैल्यू आ जाए, मतलब और याद नहीं कर। 3/2 आ जाएगा फाइनली, क्योंकि 2/2 कट जाएगा यहाँ से, 3/2 बचेगा, तो यहाँ भी 3/2 आ जाएगा ना, है ना? हाँ सर, सब गलत हो गया, यहाँ पे भी 3/2 आ गई, फिर इधर से 3/4 हो जाएगा ये, फिर ये 4/7 हो जाएगा, अभी ठीक है ना? देखो कोई चेक करो अब, ठीक है, ये मुझे अभी याद आ रहा है, ऐसे कुछ था एक्चुअली, इतना न्यूमेरिकल वैल्यूज में इतना डिफरेंस आ जाता है तो फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, 7m/4 के लिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को अब एनर्जी मेथड से करके देखते हैं, ठीक है? लेट अस ट्राई टू यूज दैट। तो हम क्या करेंगे, यही जो रैंडम पोजीशन हमने दिखा रखा है, इस रैंडम पोजीशन पे हम वेलोसिटी एंड पोजीशन इनके टर्म्स में बस रिलेशन से हमें यूज करना है, ठीक है? तो अच्छा इसको एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, और यार ये तो अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, हमें बस हमको एनर्जी दिखानी है, अरे क्या किया, जस्ट अ सेक, ये सब फोर्सेस यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम दूसरे मेथड से ही कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ डिफरेंट मेथड एंटायरली। सो हमें क्या करना था, हमने x से डिस्प्लेस किया है, अब मैंने क्या बोला इसमें आपको वेरिएबल्स चूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ की वेलोसिटी हमने इस प्लैंक की वेलोसिटी को हमने v चूज कर लिया, ठीक है? इस प्लैंक की वेलोसिटी v है, तो आपको तो ये पता चल रहा है ना कि इसकी वेलोसिटी हमें क्या चूज करनी है, v/2 चूज करनी है, करेक्ट? हाँ सर, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को अगर हमने ओमेगा चूज किया है तो v/2 हैज टू बी इक्वल टू ओमेगा, करेक्ट? करेक्ट, हाँ सर करेक्ट।
ओके okay, अब पोटेंशियल जी कहाँ पे स्टोर हो रही है, सिर्फ स्प्रिंग में या और कहीं भी है? कहीं तो और नहीं है, ग्रेविटी में देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है, दिख रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कोई चेंज नहीं, कैन यू सी दैट? ग्रेविटी में चेंज नहीं आ रहा है, राइट? स्फीयर का मतलब जो सॉरी सिलेंडर जो है उसका भी सेंटर ऑफ मास सेम लेवल पे है जितना पहले पे था, और प्लैंक का भी सेंटर ऑफ मास उसी लेवल पे है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, जो भी पोटेंशियल जी सारा का सारा क्या है, स्प्रिंग में ही है। सो यू हैव पुश्ड अ डिस्टेंस एक्स, एंड उस एक्स का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उस एक्स पे आपको जो पोटेंशियल जी दिखेगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर की दिखेगी, क्योंकि के आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। तो अब हम इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे आप? सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी अ कॉन्स्टेंट। काइनेटिक एनर्जी में आप यह ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लैंक का अलग है एंड प्लस आपका सिलेंडर का अलग है, ठीक है ना? एंड पोटेंशियल जी आपका सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग में है यहाँ पे, ठीक है? अगर कोई और होता तो उसको भी लेना पड़ता। तो वैल्यू लिखे, सो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ टू एम, या डायरेक्टली हाफ आई सी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो हाफ ऑफ थ्री बाई टू इंटू टू एम इंटू आर स्क्वायर, हाफ आई अबाउट सी आई सी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज v by 2r का square। क्या आपको ये समझ आई है क्या, एक बार कंफर्म करो। एंड दिस इज हाफ k into x square, this will be equal to constant। देखो एक बार करेक्ट है? हाँ सर, ठीक है, ओके। हाफ तो सब में ही कॉमन आ रहा है तो हटाई देते हैं इसको, ये हाफ को हटाई देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हाफ को हटा देते हैं, तो यहाँ से बेसिकली कॉन्स्टेंट इंटू टू करना पड़ेगा, करेक्ट है ना? ठीक है, हाँ सर, ठीक है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, राइट? कांस्टेंट को वैसे भी हम डिफरेंशिएट करने वाले, डिफरेंशिएशन जीरो तो आ ही जाएगा ये, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं यही काम करने वाला हूँ, एक बार जस्ट इसी को रीअरेंज कर लेते हैं। आप देख लो यहाँ पे कितनी आ रही है, ये टू है, ये टू है, तो थ्री बाई फोर हो गया, आर स्क्वायर कट गया, थ्री बाई फोर प्लस वन इज सेवन बाई फोर, सो ये सेवन बाई फोर एम वी स्क्वायर एंड प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 by 4 times of m into 2v into a plus k into 2x into v is equal to 0, correct है? Correct है? यहाँ देखो ये 2 और ये 2 गया, ये v और ये v गया, देखो आपके पास यहाँ से equation क्या आ रही है, acceleration is coming out to be minus of 4k by 7m into x आ रही है, दिख रही है? क्या आपने SHM prove कर लिया है? हाँ सर, हाँ, और मिल गया आपको, time period is 2 pi root under 7m by 4k, दिख गई सबको? हाँ सर, दिख गई। हाँ सर, मजा आया? हाँ सर, बहुत आया। इसमें ज़्यादा टॉर्क वर्क का कोई झमेला नहीं है, बट हाँ आपको एनर्जी भी तो लिखना आना चाहिए ना। अब एनर्जी नहीं लिखना आता है आपको, पता नहीं कौन बना रहा है। ये पक्का ये सब लोग आएगा सर, ये हाँ टॉर्क वर्क में प्रॉब्लम उल्टा पुल्टा हो सकता है, पर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अगर आप लिख पाए तो अच्छी बात है। हाँ बोलिए। बट एक चीज, इस केस को कि हर केस पे एप्लीकेबल कर सकते हैं या कोई ऐसे वर्क, देखो कहीं देखो हर जगह आएगा ही, ये पक्का है, बट आप कितनी कन्वीनियंटली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो चीज होगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। देखो ये टोटल मैकेनिकल कंजर्वेशन बेसिकली क्या है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो है ना। हाँ सर, राइट, तो बस वही चीज आपको सोचना है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन लिखिए। एक बार ऊपर कीजिएगा सर, एक बार पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन सर थोड़ा नीचे से, मतलब पहले सर यहाँ पर आपने माइनस के मिस कर दिया है सर, मतलब ए माइनस का ये रिस्टोरिंग फोर्स लिखा है, एफ रेस लिखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आपने क्लासेस मिस किए ना? नहीं सर। तो फिर ये आपको कैसे नहीं पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स, जब भी मैं लिख रहा हूँ तो हर बार सर मैंने देखा नहीं सभी। अरे तुमको अगर स्कूल के एग्जाम्स में प्रोड्यूस करना हो ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना होगा, ठीक है, स्कूल के एग्जाम्स में प्रोड्यूस करना हो तो नेट फोर्स क्या करना, जिस तरफ आपने एक्स डिस्प्लेस किया ना उस तरफ से ही लेना। तो आप क्या लिखोगे, एफ वन माइनस के एक्स लिखोगे ना, राइट? हाँ, और एफ वन माइनस के एक्स करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, समझ आ रही है? ठीक है, तो वैसे करना, जिस तरफ फोर्स दिखा, जिस तरफ आपने डिस्प्लेस किया उसी तरफ से नेट फोर्स निकाल लेना, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। मैं तो ऑलरेडी देख रहा हूँ कि हाँ जो लेफ्ट वाला फोर्स है वो बड़ा है, तो मैं उसको ही लेके कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वहां लिख लेना और उसका फिर उसको डिफरेंशिएट करके फिर इक्वल टू जीरो कर देना, दैट्स इट, समझ आइए, बस उससे आपका टाइम पीरियड डेफिनेटली आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। A spring block pendulum is shown in the given figure. The system is hanging in equilibrium. A bullet of mass m by 2 moving with a speed
u by 2 hits the block from downward direction and gets embedded in it. यहाँ पे एक बुलेट लेने वाले हम, this is m by 2 का मास and इसकी वेलोसिटी हमने u दिखा रखी है and ये अब इससे टकरा के चिपक जाने वाला है, ठीक है? एम्बेड होगा, इसका मतलब दोनों कॉम्बाइंड मास सिस्टम अकेला हो जाएगा, राइट? है ना, एक ही मास बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा बड़ा मास का। अच्छा, पहले ये बताइए कि अगर अगर मैं ये सिचुएशन को दिखा रहा हूँ, लेट से पहले ये लटका हुआ था तो पहले से ऑलरेडी स्प्रिंग में इलॉन्गेशन था ना? हाँ, था? हाँ सर। किसकी वजह से? बॉडी का वेट की वजह से तो ऑलरेडी इलॉन्गेशन थी यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे उसको दिखा रहा हूँ, सो लेट से दिस इज मास एम और मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इनिशियल क्यों कह रहे हैं? इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों कह रहे हैं? ये ऑलमोस्ट लाइक अरे बेवकूफ, जब वो बुलेट उसमें एम्बेड हो जाएगा तब तो मास बढ़ गया ना। हाँ, और मास बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अब क्या पहले वाला ही रहेगा या नया इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा? बस इतनी बात कहनी है आपको। So, यहाँ पे के एक्स ई कह लेते हैं या के एक्स वन कह लेते हैं कि मतलब एक्स वन इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है? मतलब इनिशियल इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन और यहाँ पे एम जी का वेट होगा, तो यहाँ से आप ये दिखा सकते हैं कि इनिशियली जो है आपका वो एक्स वन आपका एम जी बाई के का है, ठीक है? समझ आ रही है आप सभी को? हाँ सर, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको ये दिख रहा है कि अब उसमें से बुलेट एम्बेड हो गया, ठीक है? So, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें बुलेट को एम्बेड करने वाले हैं। बुलेट एम्बेड होगा तो अब दोनों के पास एक कॉमन वेलोसिटी आ चुकी होगी, करेक्ट है? हाँ सर, हाँ सर। कॉमन वेलोसिटी आएगी, वो कहां से निकालेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन से। हाँ सर, राइट। तो अब हमने क्या किया, इसी पोजीशन पे दिखा रहे हैं, ये कोलिजन के तुरंत बाद का डायग्राम मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है? इसीलिए पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हम, बस यहाँ पे मास अब हैवी कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? कितना मास हो जाएगा ये, 3m/2? हाँ सर, करेक्ट है। और यहाँ पे इनकी एक कॉमन वेलोसिटी होने वाली है, इस कॉमन वेलोसिटी को हम ले सकते हैं, दिस विल बी कितना हो जाएगा, 2/3, राइट? है ना? नहीं नहीं, m सॉरी m by 2 था ना, सो m by 2 into u has to be equal to 3m/2 into the common velocity, so common velocity becomes u by 3, करेक्ट है? हाँ, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये आपकी u by 3 हो गई कॉमन वेलोसिटी, ठीक है? नेचुरल लेंथ इसका यहाँ पे है, दिस इज द नेचुरल लेंथ पोजिशन, बट अब इसका फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो थोड़ा नीचे होगा, राइट? हाँ, कह सकते हैं दिस इज फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, करेक्ट है ना? हाँ सर, थोड़ा नीचे आएगा। कितना नीचे आया फर्दर ये, और कितना नीचे आया, कितना एक्स्ट्रा मास ऐड हुआ था? m/2 g / k, समझ आइए? हाँ सर, ठीक है। तो ब्लॉक को जो ऑसिलेशन करनी है वो किसके अबाउट करनी है, इस लाइन के अबाउट, मतलब इस लाइन से वो जितना ऊपर जाएगा इस लाइन से उतना ही उसको नीचे आना पड़ेगा, क्या आपको बात समझ आ रही है ये? हाँ सर, डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ। अगर सपोजली ये वाला ब्लॉक अकेला होता और उसमें मैंने बुलेट को नहीं स्ट्राइक कराया होता, सपोजली मैं ही फिंगर से इसको स्ट्राइक कर देता, तो वो इसी पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता, मतलब इधर से जितना ऊपर जाता उतना ही नीचे जाता, आई अंडरस्टैंडिंग? वो मीन पोजीशन बन जाता, वो मीन पोजीशन बनता। तो मीन पोजीशन हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, मीन पोजीशन उसका वेट डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है अनुष्का, आप क्लास कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं बेटा? अनुष्का सर, मी, यस यस सर, ठीक है। हाँ, सो आपको फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चल चुकी है, आपको वेलोसिटी भी पता चल चुकी है, अब उसने क्या पूछा है वो एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है? फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक नाउ, सबसे पहला चीज है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालें, मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन देखो पता है, दिख रही है आपको, ये वेलोसिटी पता है और मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है ये भी पता है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, हाँ सर, आपके पास याद है v इक्वल टू ओमेगा इनटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यूज करके हम निकाल सकते हैं तुरंत, निकल सकते हैं, राइट? ओमेगा तो हमको पता है ना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए कितना होता है, पता है ना ओमेगा हमको कितना होता है, रूट अंडर k / m होती है, k / m, आपको बस केयरफुली यहां पे 3m/2 सब्स्टिट्यूट करनी है, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, ठीक है, बस इसको यूज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बस ये वाली वैल्यू को रिलेशन में यूज करेंगे। सो पहला पार्ट का आंसर बहुत ही सिंपल सा है, सो v इक्वल टू ओमेगा इनटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम यूज कर रहे हैं, एंड देयरफॉर v की वैल्यू अगर स्क्वायर ही कर लेते हैं तो v की वैल्यू हो गई u / 3,
इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा विच इज रूट अंडर के बाई एम लिखना है और एम में याद रखना टोटल मास लेनी है सो 3m बाई 2 लिखेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर करें एंड दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज एम जी बाई 2 के एंड इसका स्क्वायर चेक कर लो एक बार अगर कुछ कंफ्यूजन है तो चेक कर लो कहीं कंफ्यूजन है तो नो सर क्लियर है सभी को आगे बढ़े हाँ इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास यू स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई 3m दिस मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर ठीक है देखो यहाँ से आपको एम्पलीट्यूड मिल चुकी है सो एम्पलीट्यूड इज कमिंग आउट टू बी 3m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय अच्छा ये 3 तो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बचेगा तो 3 हटा देते हैं तो आपके पास बच रही है mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू द 6k एंड प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर एंड देन इसकी रूट आ जाएगी दैट इज द फाइनल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिड यू अंडरस्टैंड हां सर ठीक है हां आपको पता चल गया ना वो मैक्सिमम कितना ऊंचा जाएगा पता चल गया मैक्सिमम कितना ऊंचा जाएगा हाँ सर एम्पलीट्यूड तो मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम ऊंचा जाने वाला वही इंडिकेट करता है ना यहाँ से कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा यहाँ तक जाएगा मे बी राइट मे बी यहाँ तक जाएगा जो भी डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट कर लिया है यू अंडरस्टैंडिंग यस सर ये मैक्सिमम डिस्टेंस आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा के भी कर सकते थे राइट क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में तो ये सब आपने सीखा है मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी होती है मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितनी होती है तुम्हें कहना सीखते हैं ना आप राइट आपको यहाँ पे पता है कि कितना इलॉन्गेशन और कंप्रेशन है एंड मैक्सिमम जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पोटेंशियल जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी और स्प्रिंग पोटेंशियल जी का सम होगा तो वो भी आप कर सकते थे राइट आई होप यू अंडरस्टूड दिस ठीक है बट वो एक उससे आसान तरीका आपने सीख लिया है एसएचएम का कांसेप्ट से तो वो अब आसान तरीका होगा आपके लिए ठीक है दूसरे पार्ट पे आते हैं जो ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है मतलब ये ठीक है आप पहली बार कर रहे हैं तो सीख रहे हैं सब चीजें कैसे करना है बट सेकंड पार्ट इसका ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसने पूछा है टाइम टेकन बाय द बुलेट टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच इट्स अपर एक्सट्रीम पोजिशन आफ्टर बींग हिट बाय द बुलेट ठीक है ये ऑलरेडी एक पोजीशन पे है और उसको अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना है तो उसमें उसको टाइम कितना लगेगा आपको ये फाइंड आउट करनी है ठीक है इसको आप फेजर डायग्राम से रिलेट करके करेंगे फेजर डायग्राम से हम बहुत ही झटपट कर सकते हैं जो चीज आप यहाँ पे विजुलाइज भी नहीं कर पाएंगे फेजर करेंगे तो तुरंत से विजुलाइज हो जाएगा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं घर पे तो ट्राई कर रहे हैं फेजर से सॉल्व करने का हाँ सर हाँ सर उससे हाँ सर बन रहा है उससे या नहीं बन रहा है हर बार नहीं बनता तो नहीं बनता है तो पूछते क्यों नहीं आप पूछते तो नहीं हमें तो कुछ भी डाउट ग्रुप में ठीक है सर तो सेंड कर दूंगा और अभी तो अब तो ऑफलाइन आने के भी चांस आपके आप आ सकते हैं तो आप आके पूछ लीजिए अगर आपको हेजिटेशंस होते हैं तो वैसे हेजिटेशन होना नहीं चाहिए बट होगा क्यों बट फिर भी अगर है तो फिर आप पूछिए आके अच्छा एक चीज मैं आपको दिखा था पहले देखो इधर सो अभी मैंने ऑलरेडी देखो इस एसएचएम का ये वर्टिकल एसएचएम है ना राइट ये वर्टिकल एसएचएम है तो वर्टिकल एसएचएम में मैं मान लेता हूँ कि इधर एसएचएम हो रही है ठीक है ऐसे एसएचएम हो रही है पहले हम लोग क्या करते थे हम लोग एसएसएचएम करवाते थे राइट है ना एसएसएचएम करवाते थे अभी हम क्या करेंगे इसको वर्टिकल एसएचएम करवाएंगे तो प्रोजेक्शन भी मुझे तो वर्टिकल लेना पड़ेगा ना मतलब जो हम लाइट थ्रो करते थे याद है इधर से लाइट थ्रो करते थे राइट तो अब लाइट हमको इधर से थ्रो करना पड़ेगा समझ आ रही है आपको समझ आ रही है आपको प्रोजेक्शन लेने के लिए ठीक है तो अभी देखो आपके पास ऑलरेडी आपने क्या पता किया है वो एम जी बाई 2 के वाले पोजीशन पे मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से एम जी बाई 2 के ऊपर था तो ये वाली लोकेशन आपको पता है दिस लोकेशन इज एम जी बाई 2 के एंड यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप विद अ कॉमन वेलोसिटी वी सी आई होप आपको समझ आ रही है आपको हाँ ठीक है अब इसी को अगर आप फेजर में अगर रिलेट करने की कोशिश करोगे तो ये जो फेजर वाला जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहाँ पे होगा अभी राइट करेक्ट है हाँ सर ठीक है और जब हम कह रहे हैं इसको एक्सीमेंट पे पहुंचना है एक्सीमेंट पे पहुंचना है यहाँ से ये टी इक्वल टू जीरो का है सोचो एंड दिस इज टी इक्वल टू डेल्टा टी जब उसके पहुंचने की हम बात कर रहे हैं तो फेजर को भी तो यहाँ से चल के यहाँ पे आना है ना राइट यहाँ से आना है हाँ सर तो उसको कितना एंगल कवर करना है ये वाला पूरा का पूरा एंगल कवर करना है ना राइट हाँ. ये एंगल तो आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो देखो ये एंगल को अगर मैं थीटा कह रहा हूँ दिस इज एम्पलीट्यूड ए और ये इसको एक्स कह लेते हैं तो ये कॉस थीटा आपको देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉस थीटा नोन है कॉस थीटा नोन नहीं है बेस बाय हाइपोटेन्यूस एक्स बाई ए सो दिस बिकम्स एम जी डिवाइडेड बाई 2k इंटू ए इसका मतलब थीटा आपको नोन हो गया ना थीटा इज कॉस इनवर्स
mg डिवाइडेड बाई 2k, करेक्ट है? करेक्ट है? हाँ सर। तो अब आपको डेल्टा टी निकालनी है, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, तो अब क्या करेंगे, थीटा डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, ओमेगा कर लेंगे, दैट्स द आंसर। ओमेगा तो आपको पता ही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो दिस इज कॉस इनवर्स mg डिवाइडेड बाय 2ka एंड ओमेगा वाज रूट अंडर k बाय m, m में आपका टोटल मास था, सो दिस इज k डिवाइडेड बाय 3m बाय 2, 3m बाय 2। डिड यू अंडरस्टैंड? हां सर। हां सर, समझ आ गई सभी को? समझ आ गई सबको? आगे बढ़ जाएं? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, फ्लोट्स इन टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू। In equilibrium position, the bottom end is at the interface of the two liquids. When the cylinder is displaced vertically, find the time period of its oscillation. Vertical displaced होने के बाद कितनी time period आएगी आपको find out करनी है, ठीक है? अब एक चीज सोच के देखते हैं कि क्या हमें दो, मतलब जैसे एक है object का जब to and fro motion मिलता है, मतलब ऊपर नीचे oscillate करने वाला है, तो जब ये नीचे जाएगा तब उसको restoring force कौन provide करेगा, और जब ये ऊपर जाएगा तब इसको रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जब ये नीचे जाएगा, इमेजिन करो कि मैं इस सिलेंडर को क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? मैं इसको एक बार रीड्रॉ करता हूँ, जस्ट अ सेक। This is rho 1, this is rho 2, and this is L1, जो total length है यहाँ पे rho 1 वाले liquid column का। और मैंने क्या क्या देखो, इस cylinder को नीचे push कर दिया by distance x, can you see? मैंने इसको x push कर दिया, क्या आपको दिख रही है बात? हाँ सर। ठीक है, अब ये सोच के देखो खुद ही, पहले already वो इतना display, इतना volume of rho 1 displays कर रहा था, अभी भी देखो rho 1 में उतना ही volume displays कर रहा है, दिख रहा है आपको? There has been no change in volume of displaced for row 1. दिख रही है आपको? दिख रही है? हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पे देखो row 2 का वो कुछ भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा था, और यहाँ देखो row 2 के लिए वो एक एक्स्ट्रा पार्ट डिस्प्लेस कर रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो क्या यही वाला, इससे ही जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट आएगा, क्या वही उसका रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा? डिड यू अंडरस्टैंड? यस। ठीक है, सो इस केस में अगर हम अपथ्रस की बात करते हैं, तो यार अगर रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन सबमर्ज हो रहा है, दिस इज क्रिएटिंग द रिस्टोरिंग फोर्स, अपथ्रस्ट इन दिस सेक्शन इज क्रिएटिंग रिस्टोरिंग फोर्स, क्रिएटिंग रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर लिखेंगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली द चेंज इन अपथ्रस्ट, and that will be equal to density rho 2 into volume of submerged portion. Submerged portion कितना है? Area into x and into g. देखो आपको समझ आई है क्या? हाँ सर। ठीक है, restoring force को हम क्या लिखते हैं? Mass into acceleration. तो mass क्या लिखेंगे आप? Density into area into length. ये हो गई mass into acceleration. ये area area cancel out हो गई है. And अगर आप देखोगे तो acceleration की value को आपने prove कर ली है. Rho 2 into g divided by rho 1 into l. And that multiplied with x. क्या हमने SHM प्रूफ कर लिया है? हाँ सर। प्रूफ किया है? And इसकी जो ओमेगा आ रही है, ये ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? This is root under? Rho into L ना? कौन सा बेटा? हाँ, rho into L, वो सॉरी। So इसको लिख सकते हैं rho 2 into g by rho into L. अब इसी से आंसर अगर मार्क कर दिया ना, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक हाफ का है, दूसरे हाफ के बारे में सोचो, ये तो displaced down का है, right? This is when displaced down. अब ऊपर का सोचो, अगर मान लेते हैं कि हम इसको ऊपर लिफ्ट करते हैं, तब का क्या होगा? When displaced up, ठीक है, मतलब मीन पोजीशन से हम उसको ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तब का सिचुएशन क्या दिखेगा? फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। सो ये हमारा सिचुएशन है, ये हमारा इंटरफेस है,
ये रो वन वाला है, दिस इज रो टू, एंड मैंने इसको ऊपर एक्स पुश कर दिया है। अब आप एक चीज देख रहे हो कि इसमें कहां गया, इसमें जो पोर्शन था यहाँ पे, ये एक्स पोर्शन में जो रोवन वाला लिक्विड अपथ्रस्ट क्रिएट कर रहा था, अब वो मिसिंग हो गया है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो वो खाली हो गया ना, दिख रहा है आपको? राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे अपथ्रस्ट नहीं क्रिएट होगी, और अपथ्रस्ट क्रिएट नहीं होगी तो मतलब अपथ्रस्ट आपने घटा दिया, तो पहले वेट और अपथ्रस्ट क्या था, बैलेंस था, और इस पोजिशन में अब mg को चेंज नहीं किया और अपथ्रस्ट को आपने घटा दिया, तो जितने से अपथ्रस्ट घटा है क्या वो उतने से ही बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स नहीं क्रिएट होगी? राइट, तो अब जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी, जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी जस्ट द चेंज इन अपथ्रस्ट अगेन, इसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, दैट विल बी डेंसिटी रो वन इंटू एरिया इंटू एक्स एंड इंटू जी, एंड इसको फिर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ into acceleration is rho 1 into a into x. Screen freeze हो गया शायद। Freeze हो गया sir। ठीक है, सभी दिख रही है? दिख रही है? So therefore यहाँ से अगर आप देखोगे तो फिर से हमने वो prove कर लिया कि acceleration आ रही है आपके पास rho 1 into g by rho into l into x। यहाँ पे भी ऐसे जम prove हो गया है। और इसकी भी omega आपको मिल गई है। This is root under of rho 1 g by रो इन टूल, दिख रही है आपको? दोनों दोनों पार्ट का ओमेगा क्या है, अलग अलग है ना? राइट, दिख रही है? तो इस केस में टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, देखो ऊपर वाले का अलग ऑसिलेशन है और नीचे वाले का क्या अलग ऑसिलेशन है, दोनों पार्ट दोनों अपना अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में एक हाफ का अलग और दूसरे हाफ का अलग, तो ये ओमेगा से जो टाइम पीरियड आएगा उसका हाफ ऑसिलेशन हो रहा है या फुल पूरा ऑसिलेशन हो रहा है? आधा आधा हो रहा है, उसका भी आधा, तो 2π/ओमेगा करके जो टाइम पीरियड आएगा उसका आधा लेंगे। राइट, हाँ सर, समझ आ रही है? सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी 2π/ओमेगा करके जो टाइम पीरियड आ रही है उसका हाफ लेना पड़ेगा। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी टाइम पीरियड इन द लोअर हाफ एंड प्लस टाइम पीरियड इन अपर हाफ। लोअर हाफ के लिए 2π√ रो 2 इंटू जी बाय रो इंटू एल प्लस 2π√ रो वन इंटू जी बाय रो इंटू एल एंड फिर इसका हाफ कर लेना है। ऐसे ही दिखा देते हैं, इस पूरे क्वांटिटी के साथ आप हाफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया आंसर? ठीक है ना, समझ आ गई सभी को? समझ आ गई है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टू यूनिफॉर्म रोप्स हैविंग लीनियर मास डेंसिटीज m एंड 4m, मास डेंसिटीज दी हुई है, मास नहीं दी हुई है, ठीक है, मास डेंसिटीज है। अच्छा एक काम करते हैं, कंफ्यूजन को अवॉइड करते हैं, इसको म्यू लिख देते हैं, ठीक है, म्यू एंड 4μ कर लेते हैं, ये कंफ्यूजन अवॉइड कर लेते हैं, अननेसेसरी मास नहीं, m नहीं यूज करें। म्यू एंड 4μ आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्लोज लूप, द लूप इज हैंगिंग ओवर अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस स्मॉल पुली विथ अ लाइटर रोप अबव एज शोन इन द फिगर। मतलब म्यू वाला ऊपर, मैं वॉशरूम से आ सकता हूं अभी 2 मिनट में? हाँ हाँ बिल्कुल, भागी आप, बस मुझे आके रिपीट करने मत बोलिएगा, ठीक है? चला गया। सो एक है म्यू और एक है 4μ है, ठीक है, ये जो ये लोग एक क्लोज लूप बना रहे हैं, एंड लाइटर वाला जो है वो ऊपर है और हेवियर वाला नीचे है, दोनों की लेंथ सेम है, देखो दोनों का लेंथ आपको 12 दिखा रखा है, दिख रहा है आपको? डायग्राम देखिए, दोनों का लेंथ 12 दिख रहा है, क्लियर है? ठीक है, अब उसने क्या कह रखा है, ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है अभी, उसने क्या रखा है, Now, if point A, जिसको वो joint कह रहे हैं, is slightly displaced downward direction and released, it is found that the loop performs SHF with time period of oscillation equal to n. Find the value of n. आपको n find करना है कि कितना है, ठीक है? Question clear है? Question clear है? हाँ, ठीक है? मैं इस diagram को एक बार redraw करता हूँ question solve करने के लिए, देखो आप एक बार just check करो। ये हमारा pulley. और यहाँ दो रोप हमको कंसिडर करना है, तो रोप के लिए जैसे यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, पॉइंट ए जितनी डिस्टेंस नीचे जाएगी, पॉइंट बी उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर जाएगा ना, पॉइंट ए का लोकेशन मान लेते पहले यहाँ था, अब यहाँ आ चुका है ए डैश, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स,
तो साइमल्टेनियसली पॉइंट ए के ठीक सामने में इधर, ठीक सामने इधर, इधर पॉइंट बी पहले था, पहले था पॉइंट बी, अब ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा ऊपर, हाँ सर, ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पे नई लोकेशन डी की आपकी यहाँ पे हो जाएगी, बी डैश हो जाएगी, समझ आ रही है? हाँ, ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट कनेक्टेड है उससे कौन सा था? दूसरा पार्ट हो गया, तो फ्रीज हो गया, अरे हाँ सर, आपने बी डैश बोला, बी डैश आया नहीं स्क्रीन पे। So, अभी चेक करो आप यहाँ पे, सो जैसे ही हमने ए को पुल किया नीचे तो बी ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, ठीक है, तो अब दूसरे पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को अगर हम दिखाएं, दूसरे पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को दिखाएं, तो ये हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, अब ये यहां से यहां तक होगा, हम जो कर्व्ड पार्ट है उस पार्ट का लेंथ को इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है, वो कर्व्ड पार्ट का लेंथ को हमको इग्नोर करके चलना है, जो भी है आप ऐसे समझना कि वर्टिकल जो पोर्शन दिख रहा है वही लेंथ है टोटल लेंथ, और कहीं पे भी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है। अब देखो फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, आप दोनों साइड में आप ये चेक करो, पहले फोर्स बैलेंस थे क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल मासेस थे, अब दोनों तरफ सिमेट्रिकल मासेस है नहीं, आप चेक करो यहाँ पे, मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, देखो एक पर्पल कलर की मैंने लाइन ड्रॉ करी है, एक और लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, अब मैं इसको तीन पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तीन पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला पर्पल लाइन है उसके ऊपर वाला पार्ट, एंड नीचे वाला पर्पल लाइन है उसके नीचे का पार्ट, एंड एक है उसके बीच का पार्ट। तुम ये नोटिस करो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में एक दूसरे के पुलिंग फोर्स को बैलेंस कर लेंगे, राइट, ठीक है, yes. मैं इस पोर्शन और इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस दोनों पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रही है आपको? सिमिलर तरीके से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर लेगा, बट क्या ये वाली और ये वाली एक दूसरे को बैलेंस कर पाएगी? राइट वाला देखो 4 म्यू का है और लेफ्ट वाला सिर्फ म्यू का है, समझ आ रही है आपको? अब पे नहीं होगा, हाँ राइट, तो अब अगर अगर आप देखोगे नेट पुलिंग फोर्स, जैसे जैसे ये तो एटवुड मशीन की जैसा ही हो गया ना, एक पुली से दो तरफ अलग अलग मास लटके हुए हैं, इधर का एक मास है और इधर का एक मास है, इधर की मास की वैल्यू आपको पता है, इधर की मास की वैल्यू पता है, ये हैवियर है, तो इधर से पुलिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो नेट ओवरऑल क्या होगा, पूरा सिस्टम क्या होगा, इधर जाएगा, राइट, समझ आ रही है? राइट, आपने डिस्प्लेस किधर किया था, याद है आपको डिस्प्लेस किधर किया था? ऐसे डिस्प्लेस किया था, राइट, और फोर्स किधर आ रहा है? ऐसा आ रहा है, दिख रहा है आपको? ओ हाँ, रिस्टोरिंग नेचर दिख रही है आपको? आपने पूरे सिस्टम में किस तरह डिस्प्लेसमेंट दिया? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर मैं इसको लूप को डिस्प्लेस हुआ पर फोर्स ऐसा आ रहा है, हाँ, तो रिस्टोरिंग नेचर तो दिख गया ना आपको, राइट, हाँ सर, तो रिस्टोरिंग नेचर अगर दिख गई है तो अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा के बस ये प्रूव कर देना कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स होगी, करेक्ट है? फोर्स ऐसा, हां ठीक है, ठीक है, यस सर, सो नेट पुलिंग फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे, और ये कितनी आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 म्यू इनटू 2x माइनस म्यू इनटू 2x, देखो आपको समझ आई है क्या, इनटू जी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ एंड फिर जी कर लिया, देखो आपको समझ आई है क्या, हां लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, ठीक है, और नेट फोर्स को हम फिर क्या लिखते हैं, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंस एंड टू एंड कनेक्शन है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन सबके लिए क्या होगी, सेम ही होगी, और ये एक्सेलरेशन आपको दिख ही रही है, ये इसकी इधर आएगी और इसकी क्या होगी, इधर रहेगी, सो दिस इज द एक्सेलरेशन, एंड टू एंड लेंथ में सभी की एक्सेलरेशन आपकी सेम ही आने वाली है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 4 म्यू माइनस म्यू व्हिच इज 3 म्यू इनटू 2x इनटू जी आर ई है, और टोटल मास कितना है, टोटल मास देखो म्यू इनटू 2l प्लस 4 म्यू इनटू 2l एंड दिस मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 म्यू इनटू 2x इनटू जी, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बच रहा है आपके पास 4 प्लस 1 इज 5l इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू 3g इनटू x, एंड यहाँ से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 3g बाय 5l एंड दैट मल्टीप्लाइड विद x, कैसे चम प्रूव हो चुका है, हां सर, एंड दैट टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट अंडर 5l डिवाइडेड बाय 3g, सही है गलत है, करेक्ट है, ठीक है, समझ आ गई सभी को, हाँ, ठीक है ना, मैं अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने सिर्फ और सिर्फ इधर से, अब इफेक्टिवली दिस इज इक्वल टू
इधर से पुली है और इधर से आपका एक मास लटका हुआ है, इधर से एक मास लटका हुआ है, एंड दिस मास इज 3 4 μ, सॉरी 1 इज m, 1 इज 4 m, 4 μ × 2x, एंड दिस इज μ × 2x, ठीक है ना? अब आपको याद रहेगा शायद, बस ये टोटल मास आपका डिफरेंट है, मास तो पूरा ही है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. n का नंबर यहाँ क्या आएगा, लाइक इन दिस स्ट्रीम? अच्छा, n निकालना था ना हमें, n निकालना था ना? हाँ सर, n निकालना था. अच्छा अच्छा ठीक है, उसको निकाल देते हैं. मैं भी कुछ कैंडिंग लाइन डाल दूँगा. अच्छा, तो उसने कुछ वैल्यूज दिया हुआ था ना, दे दिया हाँ. L is 150 m by 4 pi square. ये j का प्रॉब्लम है ना, शायद मैं किया है. दिस इज 2 pi into root under 5 by 3 g into length. length की वैल्यू थी 150 m by 4 pi square. 150 m by, अच्छा m मीटर के लिए है, m मास नहीं है, by 4 pi square ये दिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ सर. तो ये है, ये डेसिमल तो 10 हटा देते हैं और ये 3 5 से कट जाएगा. सो यार ये 2 pi into 5 divided by 2 pi, 2 pi 2 pi gets cancelled out and exactly 5 आ रही है. ठीक है, हाँ सर. ठीक है, हाँ सर. ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं. देखो, अ वेटलेस रिजिड रॉड विथ अ स्मॉल आयरन बॉब एट द एंड इज हिंज्ड एट अ पॉइंट ए टू द वॉल सो दैट इट कैन रोटेट इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकते हैं. The rod is kept in a horizontal position by a vertical inextensible string. तो vertical जो दिख रहा है वो आपका string है, ठीक है? और क्या दिखा रहे हैं वो? Of length 20 centimeter, ठीक है, दे रखा है. Fixed at its midpoint. The bob is displaced slightly perpendicular to the plane of the rod. Perpendicular to plane of rod मतलब क्या होगा? Diagram में अगर देखो, diagram में correlate करो. नहीं नहीं, वो तो perpendicular to plane of rod कैसा हुआ? तो in the plane of the rod हो गया. So I'll just read out jaldi jaldi again. A weightless rigid rod with a small iron bob at the end is hinged at a point. Achha, nahi, we were discussing ki, matlab, bob is displaced slightly perpendicular to plane of rod. Kehne ka matlab kya hua? Jaise bob agar dekhoge to is end pe, right? Ab mera finger ko follow karo, theek hai? Yahan pe ye hinged hai. This is hinged over here. And yahan pe ek vertical string hai. Yahan pe ek vertical string hai. And yahan pe ek bob lagi hui hai. To aap vertically isko niche khinch sakte ho kya? Ye string kya isko niche jaane dega? Nahi. ये जो कनेक्टेड स्ट्रिंग है क्या उसको नीचे जाने देगा? खुद ही सोचो, बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो. तो तुम जब ऐसे ऐसे बोल रहे थे तो ये तो बेवकूफ हो गए ना? हाँ, नहीं सोचा नहीं था, राइट? अब ये बॉब ऐसे कनेक्टेड है तो ये है प्लेन, ये है प्लेन ऑफ द डायग्राम, सो ये है प्लेन ऑफ द रॉड. एंड अब आप ऐसे डिस्प्लेस करोगे, ऐसे आगे पीछे देखो, समझ आ रही है? हाँ, आई अंडरस्टैंडिंग. तो ये आगे पीछे होगा बेसिकली, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड है. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स होने से जो स्ट्रिंग होगा ये पक्का है एक सर्कुलर आर्क में घूमेगा, समझ आ रही है? स्ट्रिंग फिक्स्ड है तो क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर आर्क में घूमेगा. आ रही बात समझ में आपको? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, वो ऐसा होगा. इसको इफेक्टिवली अगर सोचोगे तो एक बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं, इसको सिंपल पेंडुलम की तरह ही सोच रहे हैं, ठीक है? आई विल गिव यू अ वेरी यू नो हैंडी तरीका, इतना कॉम्प्लिकेट करने का तरीका से नहीं सोचेंगे. मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ एक वेरिएबल्स बढ़ा देता हूँ, ठीक है? लेट अस टेक कि इस लेंथ को ना मैं ऐसा करता हूँ, इस लेंथ को मैं L1 ले लेता हूँ. लेट अस से दिस लेंथ इज L1 and say this length is L2, ठीक है? मैं L1 L2 के टर्म्स में निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? आप पहली चीज ये नोटिस करो कि यहाँ से अगर मैं एक ऐसा एक डॉटेड लाइन कनेक्ट करूँ, मतलब पॉइंट बी का जो सस्पेंशन पॉइंट है वहां से बॉब को कनेक्ट करता हुआ मैंने एक लाइन खींचा है, ठीक है? आप इफेक्टिवली सोचो, क्या वो बॉब जो है वो इस लाइन के अबाउट ही ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? रॉड इधर है, यहां से ही कनेक्टेड है, ये वाली पॉइंट तो फिक्स्ड है ना, ये वाली पॉइंट फिक्स्ड है, तो ये एक्चुअली तुम्हारे लिए क्या होगा, ये आईसीआर की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे. तो ये ऑलमोस्ट आपको ऐसा अपीयर होगा कि आपका बॉब जो है वो बेसिकली इसके अबाउट ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ आ रही है आपको? सो आप बस ऐसे इमेजिन करो, हाइपोथेटिकली ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे एक लेंथ एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है. आप ऐसे सोचो, ऐसा एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इस डायरेक्शन में एक ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट है,
और वो ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट ही बेसिकली क्या कर रहा है, इसको बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रिंग ऐसा होता है राइट, स्ट्रिंग ऐसा होता है और ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, और ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटी है यही बेसिकली इस पेंडुलम बॉब को क्या करता है, ऑसिलेट कराता है। आप इसको जब इधर डिस्प्लेस करते हो तो फिर mg का एक इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आ जाता है राइट, है ना, और वो क्या करता है, इसको ऑसिलेट कराता है। सेम तरीके से यहाँ सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, आपको क्या करना है, आप ऐसे विजुलाइज करो, विजुलाइजेशन अपनी बढ़ाओ थोड़ी सी, आप इमेजिन करो इसको इधर से देख रहे हो, ठीक है, इधर से मतलब ऐसे सोचो कि आप ऐसे चढ़ के देख रहे हो, जैसे मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये है, ये हमारा वो लाइन है जिसमें मुझे, मैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप ऐसे देखो इसको, इधर से देखो, इधर से आपको बात समझ आ रही है, इधर से देखना आपको, अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर, आपका जो लाइन ऑफ साइट होना चाहिए वो इस लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस लाइन से परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे देख रहे हो आप, तो अब आपको दिखेगा ये, अब इसको आप ऐसा अपना जो व्यू साइट है उसको ऐसे टर्न कर दो, ऐसे टर्न कर दो, तो अब आपके लिए डायग्राम क्या हो गया, ऐसा ही हो गया ना, समझ आ रही है आपको, वर्टिकल वाला केस हो गया। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट। तो इसको ऐसा ठीक है, अब बस आपको क्या वाइज सब्स्टिट्यूशन करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिकली आपके लिए क्या हो गई, ये वाली पॉइंट और ये बॉब के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपके लिए एल इफेक्टिव हो गई, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ व्हिच इज रूट अंडर एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर, समझ आ रही है आपको। एंड इधर पे mg है, तो इधर जो mg का कंपोनेंट आ रहा है उसी को हम g इफेक्टिव की तरह ले लेंगे, तो ये एंगल थीटा अगर है तो, अच्छा वर्टिकल से ले लेते हैं, अच्छा मेरा हटाते हैं, ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी थीटा मार्क कर सकते हैं, तो इधर आपका mg cos थीटा हो जाएगा और इसी को अब हम m into g इफेक्टिव की तरह ट्रीट करेंगे, तो मतलब दिस सिचुएशन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, अब हम ऐसे सोच रहे हैं कि यहां पे आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, यहाँ पे एक बॉब कनेक्टेड है, दिस इज एल इफेक्टिव विच इज रूट अंडर ऑफ एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर, एंड यहाँ पे देर इज एम इंटू जी इफेक्टिव, आपको बात समझ आ रही है। तो अब सोचो कि जब आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करोगे इधर, तो एम इंटू जी इफेक्टिव जो है इसका एक कॉम्पोनेट इधर आएगा ना, जो उसको वापस क्या करेगा, रिस्टोर कराएगा राइट, और So, मैं ये कह रहा था कि जैसे what you need to do is, आप ऐसे सोचो कि जब इसको आप यहां से यहां डिस्प्लेस करोगे तो ये जो m into g effective है इसका एक component इधर आएगा और वही उसको oscillate कराएगा, क्या आपको बात समझ आ रही है? हाँ, सर। ठीक है, तो बस यही काम हो गया, तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड के लिए आंसर क्या होगा, what will be the answer, 2 pi root under क्या हो जाएगा, l effective by g effective, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो, so this becomes 2 pi root under of l1 square plus l2 square divided by g effective, g effective was g cos theta, and cos theta is diagram में चेक करके देखो कितनी है, l1 square plus l2 square वो भी under एक और root होगा, हाँ हाँ root होगा, ठीक है, हाँ अभी g cos theta लिखनी है आपको, cos theta base by hypotenuse होती है, diagram में देख लो, so this will be l1 divided by root under of l1 square plus l2 square, अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी टाइम्स ऑफ एल वन, हो गया आंसर, क्लियर है, क्लियर है। और एल वन एल टू की वैल्यू आपको दे रखी थी उसने, हमने जो एल वन एल टू लिया रैंडम लेके कर कैलकुलेशन करके दिखाया, बट एल वन एल टू उस क्वेश्चन में क्या है, सेम है ना, yes. है नहीं है, और एल वन एल टू अगर सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एल वन और एल टू दोनों ही 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वैल्यूज क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे this will be 2 pi into root under of 2 times of l square divided by g into l, l gets cancelled out and aapke paas value aa rahi hai, this is 2 pi into root under of 2 into l, l is 20 centimeter matlab 1/5 of a meter and divided by g which is 10, ye 2 isko 5 se cancel out kar sakte hain, to ye aa rahi hai 2 pi by 5 aa rahi hai, clear, क्लियर, हाँ सर, ठीक है, उसने वैसे भी पाई एक्स बाई टेन के फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, तो ये तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन का एक्चुअली डिस्कशन हमारा एक बार रोटेशनल मैकेनिक्स में हो चुका है, बट इसको एसएचएम में ही यूज कर रहे हैं क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालना है, तो उसको एक बार डील करते हैं। क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज पाइवटेड एट वन एंड, पाइवट किया है एक एंड पे, अ थिन डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, आर इज लेस देन एल,
is attached to its center to the free end of the rod. Attach kiya hai center pe, free end of the rod pe. Consider two ways the disc is attached. Case A, the disc is not free to rotate about its center. Matlab usko nut bolt se jaise tight kar diya aapne. And dusra case B hai, the disc is free to rotate about center. Usme wo ghoom sakta hai. आपको याद आ रहा है ये डिस्कशन हमने पहले किया है रोटेशन में? हाँ सर, हाँ सर, याद। आपको डायग्राम दिखा देता हूँ मैंने, क्योंकि आपकी याददाश्त कमजोर है इसलिए मैं पहले ही कॉपी करके रख लिया, फिर आपको बोल ना पाओ सर याद नहीं आ रहा है। अब तो आपको याद आ गई होगी राइट? सर याद था सर। ठीक है, अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है। इसमें से केस ए कौन सा है, केस बी कौन सा है, आप ये बताइए। पढ़ो केस ए क्या है और केस बी क्या है और बताओ कौन सा केस है कौन सा केस बी है। Consider two ways the disc is attached. Case A, the disc is not free to rotate about its center. मतलब rotate नहीं कर सकता। सर ये तो पहला वाला केस ही होगा। पहला वाला A वाला केस और good। हाँ सर, पहला वाला। पहला वाला जो है वो केस A है। समझ आ गई आप सभी को? सर 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 मुझे याद है सर, सर मैंने इसको गलत किया था सर उस समय, मुझे याद है। ठीक है, अभी तो याद है ना आपको? हाँ सर याद। ठीक है, सो पहला वाला केस A हो गया और दूसरा वाला केस B हो गया। पहले वाले में वो डिस्क एक्चुअली अगर मतलब अगर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी राइट, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कॉमन है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी डिफरेंट आएगी। बट सेकंड वाले केस में जो डिस्क है वो कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट मास की तरह राइट, क्योंकि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास से मैच करती है क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही। दिख रही है, प्योर ट्रांसलेशन का केस है, यू सी राइट, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, प्योर ट्रांसलेशन है। और प्योर ट्रांसलेशन इसका मतलब क्या है कि एवरी पॉइंट हैज आइडेंटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में डिस्क कैसा बिहेव कर रहा है, डिस्क बिहेव्स एज पॉइंट मास, करेक्ट है ना? हाँ सर, हाँ सर, एज अ पॉइंट मास। ठीक है, ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं कि क्वेश्चन क्या जानना चाहते हैं हमसे। द रॉड डिस्क सिस्टम परफॉर्म्स SHM इन वर्टिकल प्लेन आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेम डिस्प्लेस पोजीशन। ठीक है, मतलब दोनों को ही हमने डिस्प्लेस किया और दोनों को रिलीज करेंगे और टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, रिस्टोरिंग फॉर टॉर्क इन ए इज रिस्टोरिंग टॉर्क इन बी, या रिस्टोरिंग टॉर्क इन केस ए इज लेस देन रिस्टोरिंग टॉर्क इन बी। अब देखो रिस्टोरिंग टॉर्क कौन क्रिएट कर रहा है, वो तो वेट ही क्रिएट करेगा ना राइट। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से एक mg आएगी, सॉरी इसका मास दोनों का डिफरेंट दिया, ये कैपिटल एम है, दिस कैपिटल एम जी, और इसके सेंटर ऑफ मास से एक स्मॉल एम जी आएगी। सेम चीज यहाँ पे भी तो दिखाओगे आप, इसके सेंटर ऑफ मास से स्मॉल एम जी है और इसके सेंटर ऑफ मास से कैपिटल एम जी है। क्या दोनों के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क सेम नहीं क्रिएट होगा? बैकग्राउंड देख के बताओ, होगी या नहीं होगी? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो करोगे रे बाबा? सब इतना क्या सोच रहे हो नालायक, मारना चाहिए पकड़ पकड़ के। दिस इज एल बाई टू कॉस थीटा, क्या डिफरेंस है आप बताओ मुझे दोनों डायग्राम में, बताओ क्या डायग्राम डिफरेंस है? अच्छा कॉस थीटा साइन थीटा, मैं भी परेशान हो गया। एल बाई टू साइन थीटा यहां भी आएगा और यहां पे एल साइन थीटा आएगा, और यहां पे क्या डिफरेंस आने वाला है, हा? बताओ तो मुझे, इतना सोच रहे हो। फोर्स वही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वही है, तो क्या डिफरेंस आने वाला है, हाँ बताओ, इतना सोच क्या रहे हो? समझ आ गई ना आपको, रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों में सेम है, समझ आई आपको? हाँ ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों केस में आपकी सेम मिलेगी। ठीक है, बट टॉर्क सेम है, मासेस भी सेम है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आएगा? नहीं। डिस्क कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट मास की तरह, मतलब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखेंगे, मतलब जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है, दोनों के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉमन ही है, बट इसके लिए जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखेंगे केस ए में, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रॉड के लिए लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एंड डिस्क के लिए लिखेंगे तो कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर बाई टू प्लस कैपिटल एम इंटू एल स्क्वायर, करेक्ट है ना? हाँ सर। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम केस बी में लिखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन केस बी लिखें, तो रॉड के लिए लिखेंगे तो आप एम एल स्क्वायर बाई थ्री लिखेंगे, बट डिस्क के लिए क्या लिखेंगे आप, सिंपली क्या लिखेंगे,
कैपिटल एम इनटू एल स्क्वायर लिखेंगे. आपको समझ आ रही है? क्योंकि वो बिहेव कैसे कर रहा है, पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है, राइट? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, केस ए का या केस बी का? ए का. ए का दिख रहा है आपको. सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ए इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस बी. एंड देयरफॉर जब आप टॉर्क की वैल्यू लिखते हो तो टॉर्क की वैल्यू को आप क्या लिखते हो, आई अल्फा लिखते हो, राइट? अल्फा. अल्फा की वैल्यू जब आप लिखोगे तो क्या आएगा, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट आएगा? हाँ. और क्लियरली आपको दिख रहा है कि टॉर्क तो सेम है दोनों केस में, टॉर्क तो सेम है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. जिसका ज्यादा होगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम आएगा ना, और एंगुलर एक्सेलरेशन कम आएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट? आई बात समझ में आपको? यस सर. टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, एक कांस्टेंट c इनटू थीटा ही तो आएगा ना, जब आप थीटा डिस्प्लेस करोगे तो c by i and into theta लिखोगे, ये c obviously सेम होगा दोनों के लिए क्योंकि टॉर्क ही सेम है. तो इससे क्या पता चला आपको कि यहाँ पे जो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालोगे वो रूट अंडर c by i करके निकालोगे. तो टाइम पीरियड जब आप लिखोगे तो 2 pi by omega, मतलब 2 pi root under i by c हो जाएगा. तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, देयरफॉर टाइम पीरियड इन केस ए विल बी लेस देन टाइम पीरियड इन केस बी. क्यों? नहीं, उल्टा कर दिया मैंने. टाइम पीरियड इन ए विल बी ग्रेटर देन टाइम पीरियड इन बी सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ए इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस बी. क्लियर हो गई सबको? यस सर. ठीक है. हां यस. अगर याद रहता तो तुरंत ही कर लेते हैं आपको, बट ठीक है, अच्छी बात है याद तो. अच्छा, उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा था ना हमसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन सा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन ए. बी, बी का ग्रेटर देन. ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ठीक है. हां सर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये मजेदार क्वेश्चन है. टू एसएचएम्स एक्स इक्वल टू ए कॉस थ्री ओमेगा टी, वाई इक्वल टू बी कॉस बी साइन ओमेगा टी. एक ओमेगा का है और एक थ्री ओमेगा का है. हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम किया है लास्ट लेक्चर में, याद है आपको? उसमें एक्स एंड वाई डायरेक्शन में दोनों में ही हम क्या करते थे, ओमेगा का लेते थे, राइट? सेम फ्रीक्वेंसी का ले देते. और उसमें हमने देखा था कि पॉसिबिलिटी आपका एलिप्टिकल पाथ का था, सर्कुलर पाथ का था, लीनियर पाथ का भी था, राइट? है ना? इन जनरल अगर बोले तो एलिप्टिकल पाथ था, राइट? है ना? एलिप्टिकल फॉर एसएचएम, सर्कुलर फॉर पीरियोडिक. क्या क्या बोल रहा है, पगला गया है. मतलब अगर कोई एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है तो उसको SHM बोलेंगे क्या? लीनियर अगर हुआ तो होगा ना, लीनियर 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 के केस में होगा ना, लीनियर में SHM. मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी. अगर रहता ना पास में मारता तुझे, सच में मारता, धूमधाम करके पीटता, कूटना बोलते हैं हम लोग हिंदी में ना, एक टर्म बोलते हैं कूटना. कूटना मतलब जैसे किसी चीज को चूर करना होता है ना, तो उसको बोलते हैं कूट रहे हैं. तो तुम्हें कूटता मैं अभी. चलो ठीक है. अभी क्या है, अभी एक थ्री ओमेगा का है और एक ओमेगा का है, ठीक है? और एक एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है और एक वाई एक्सिस के अलोंग हो रही है. पहला चीज उसने पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन. मतलब पहला इक्वेशन निकालना है, फिर बोला उसने प्लॉट द ग्राफ. ग्राफ प्लॉटिंग पे थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं, ठीक है? इक्वेशन डिराइव करने का लोकस निकालने का तरीका क्या होता है, टाइम को एलिमिनेट करना, राइट? यही तरीका है, कोई तरीका है, यही तरीका है ना? उसको कैसे लिख सकते हम, फोर कॉस क्यूब थीटा एंड माइनस ऑफ कितना होता है, थ्री कॉस थीटा, यही होता है क्या? मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, आप बताइए एक बार कंफर्म. 4 cos cube theta minus 3 cos theta, यही होता है ना? ठीक ही तो लिखा है, सही लिखा है? हाँ सर. यस सर. ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक करते हैं. इसको लिख देते हैं a into cos omega t को बाहर निकाल लिया और ये बन जाएगा हमारे पास 4 cos square हो जाएगा. और cos square को लिख सकते हैं 1 minus of sin square omega t and minus of 3. देखो तो सही लिखा है मैंने. हाँ सर. ठीक है, अब हमने क्या किया, x square by a square कर लिया है and is equal to cos square को 1 minus sin square लिख लेते हैं. So 1 minus of sin square omega t
एंड इसके साथ लिख लेते हैं दिस इज 4 माइनस 3 विच इज 1 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. क्लियर है? क्लियर. हाँ अब साइन ओमेगा टी का वैल्यू देखो हमको पता है कितनी है, वाई बाई बी है. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड इनटू 1 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. ये इक्वेशन आ गई है, ये इसमें निकालने के लिए बोला था. ठीक है ये देखो ये लोकस आ चुका है. ठीक है यही रिजल्ट उसको पूछा था. अभी रिजल्ट देख के आपको लग रहा है कि आपको कुछ जाना पहचाना इक्वेशन है? बिल्कुल कुछ भी जाना पहचाना इक्वेशन नहीं है, ऐसा इक्वेशन कभी आपने देखा नहीं है. हाँ सर. अब इसका ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए इसने बोला है. अगर किसी भी मैथ्स वाले बंदे को अगर आप दोगे ग्राफ प्लॉटिंग तो आपके आईटीजे के सिलेबस में ही है. तो ग्राफ प्लॉटिंग अगर आप किसी भी मैथ्स वाले बंदे को दोगे तो वो क्या करता है, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि क्या करता है वो. सबसे पहला काम ये करता है कि वो क्या करता है, उसका ये फाइंड आउट करने का कोशिश करता है कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप जीरो आएगी कहाँ कहाँ पे. क्योंकि जहां जहां स्लोप जीरो आएगी वहां वहां पे उसका फंक्शन का क्या होगा, लोकल मैक्सिमम मिनिमम आएगा. फिर एक ये फाइंड करने की कोशिश करता है कहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रही है स्लोप में, मतलब अगर अगर कहीं पे स्लोप आपका अगर इनफाइनाइट बोलने का पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसका मतलब वहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगा ऑलमोस्ट. राइट सर. उस केस में वो एक्स एक्स में कहाँ पे एक्स में वर्टिकल एक मतलब मैक्सिमा अटेन कर रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में मैक्सिमा अटेन कर रहा है ये जानने की कोशिश करता है, वाई कोऑर्डिनेट में कहाँ मैक्सिमा आ रहा है वो जानने की कोशिश करता है एंड अकॉर्डिंगली फिर प्लॉट करता है. ठीक है इसके बीच में ही प्लॉट करता है. फिर कर्व का नेचर, जैसे अगर अगर कर्व का नेचर ऐसा बनना है तो वो कैसे डिसाइड करता है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से डिसाइड करता है. क्योंकि कनकेविटी अगर डाउनवर्ड्स है तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. राइट क्योंकि स्लोप अगर देखोगे तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. राइट है ना. राइट समझ आ रही है आपको? नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, स्लोप डिक्रीज कर रही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपकी नेगेटिव आएगी. अगर कनकेविटी अपवर्ड्स होती तो उस केस में क्या होता, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता, पॉजिटिव आता. तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल करेगा. बट सिंस हम अभी SHM पढ़ चुके हैं और ये SHM से कोरिलेट करने वाला ही क्वेश्चन है, तो आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो उस तरीके से नहीं करना, आपको एनालिटिकली करना है. ठीक है मैं आपको एनालिटिकली करके दिखाता हूँ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर ग्राफ. पहले वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ. ठीक है मुझे x की वैल्यूज ने दे रखी थी a cos 3 omega t, a cos 3 omega into t एंड y की वैल्यू दी हुई थी b sin omega t, b sin omega t. ठीक है ओके पहला चीज ये देखो एट ये इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो 3 ओमेगा है ना, 3 ओमेगा राइट. और स्क्रीन फ्रीज हो गया शायद. हाँ फ्रीज हो गया. चलो ठीक है. हाँ सो मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट वाला जो एक्स एक्स डायरेक्शन में जो SHM है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3 ओमेगा. ठीक है एंड वाई डायरेक्शन का जो SHM है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी That is omega, correct है? Yes, sir. मतलब y direction का जो frequency है oscillation का, उसका 3 गुना है x direction का oscillation का frequency, correct बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Okay. Answer. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि एक जो y direction में अगर particle अपने एक extreme end से start करके या मीन उस मीन पोजीशन से बोलते हैं, अगर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट करके एक्सट्रीम एंड पे जाता है, अगर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट करके एक्सट्रीम एंड तक जाता है तो एक्स को एक्स डायरेक्शन में वो मीन पोजीशन से जाके एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा एंड फिर वापस से नेगेटिव एक्सट्रीम पे चला जाएगा. बोल सकते हैं सर? राइट हाँ सर. फ्रीक्वेंसी उसका 3 गुना है ना. राइट समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है अच्छा मैं एक बार इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगा. ठीक है एक बार ड्रॉ करता हूँ मैं, लेट मी ड्रॉ दिस. उतना क्लैरिटी नहीं है फिर से बोलेंगे. हाँ वो इसे ड्रॉ कर रहा है. ब्लॉक बिल्कुल ब्लॉक करेंगे आपके लिए. जैसे ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं. एंड सबसे पहला है बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं कि कितने दूर के बीच में वो ऑसिलेशंस होने वाले हैं.
कुछ बंदे दिख रहे हैं। ठीक है चलेगा। सो ये बाउंड्रीज मैंने मार्क किए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में आपका बाउंड्री होगा प्लस ए से माइनस ए, सो दिस विल बी प्लस ए, दिस विल बी माइनस ए, एंड वाई कोऑर्डिनेट में आपका प्लस बी से माइनस बी, सो द पाथ कैन नॉट बी बियॉन्ड दिस यू नो रेक्टेंगुलर पोर्शन शोन, इसके बाहर कभी नहीं निकालेंगे आप, आपको ये बात समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक है, ये बाउंडेड है इसके बीच में। अब स्टार्टिंग में कहां पे एट टी इक्वल टू जीरो, अगर मैं बोलूं एट टी इक्वल टू जीरो वो कहां पे है वो चेक करके देखो, एट टी इक्वल टू जीरो कहां पे है वो, एक्स की वैल्यू कितनी है ए एंड वाई की वैल्यू कितनी है जीरो, करेक्ट है? हां सर। तो कहां से स्टार्ट करना है हमें, इस एक्सट्रीमेंट से, राइट? इस एक्सट्रीमेंट से, हां सर, है ना, ये टी इक्वल टू जीरो का है। उसके बाद फिर एक्स कोऑर्डिनेट इज ए कॉस ओमेगा टी, तो टी इक्वल टू जीरो के बाद तो एक्स कोऑर्डिनेट घटने वाला है, राइट, एंड वाई कोऑर्डिनेट बढ़ने वाला है, दिख रही है आपको? Yes, right? Yes, मतलब अगर मैं नेक्स्ट आपको ये बोलूं कि आप नेक्स्ट छोटे से टाइम इंटरवल के बाद सोचो, मतलब t equal to 0 plus का सोचो, 0 plus मतलब समझते हैं ना? Yes, sir. मतलब 0 से जैसे छोटी सी बड़ी वैल्यू, तो इसमें अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू विल बी लेस देन a, मतलब x डिक्रीज कर रही है, राइट, है ना, एंड y की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0, करेक्ट है? Yes, sir. तो उसको जाना कहाँ पे आप ये बताएंगे, कहाँ जाना है, इधर भी जाना है और इधर भी जाना है, करेक्ट है ना? हाँ सर। राइट, वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करनी है, एक्स कोऑर्डिनेट आपकी डिक्रीज करनी है, तो मतलब इधर ही कुछ जाएगा, राइट, ऐसे कुछ जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? आ रही बात समझ में आपको? हाँ सर। ठीक है, अब ये सोच के देखो, अगर मैं ये सोचूं कि जब ये यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, यहां से यहां पहुंचा, अच्छा ऐसे करते हैं पहले, ये जब यहां से यहां पहुंचेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट में आप ये सोचो कि वो एक एक्सट्रीमेंट से मीन पोजिशन पे पहुंच गया, करेक्ट है? हाँ। ठीक है, अब इतने देर में ये सोचो कि y डायरेक्शन में उसका क्या होता, y डायरेक्शन में उसका क्या होता, अच्छा नहीं y डायरेक्शन का, अच्छा नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे y डायरेक्शन का ओमेगा है ना, तो x डायरेक्शन का 3 ओमेगा है, अच्छा तो उल्टा कर लेते हैं, y डायरेक्शन में, हाँ ठीक है y डायरेक्शन का पहले सोचते हैं, y डायरेक्शन में इमेजिन करो कि वो तो अपनी यहां से स्टार्ट कर रहा है ना, यहां से स्टार्ट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट में बोल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का भी नहीं सोचना, y कोऑर्डिनेट में कहां से स्टार्ट कर रहा है, वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। हाँ, तो जब वो यहां से स्टार्ट करके वो यहाँ पे पहुंचेगा, यहां से स्टार्ट करके वो यहां पहुंच गया, फिर स्क्रीन फ्रीज कर दिया, हाँ एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मैं आपसे क्या पूछ रहा था, कि मैं बोल रहा था कि y डायरेक्शन में सोचो कि जब वो यहां से स्टार्ट करके वो यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, एक एक्सट्रीमेंट पे पहुंच गया, तो x में जब वो यहां से स्टार्ट कर रहा था तो कहां से कहां पहुंचा होगा, बस इतना सोचना आपको, आपको ये ध्यान रखना है कि x y डायरेक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है, x डायरेक्शन का उसका फ्रीक्वेंसी 3 गुना है, राइट? हाँ, तो एक ही टाइम में वो फेज एंगल का सोचो आप कैसे कवर करेगा, तो ओमेगा इंटू टी एंड यहाँ पे 3 ओमेगा इनटू टी कवर करेगा, ये तो मतलब हुआ ना, तीन बार, हाँ, तो ये अगर पाई बाय 2 आया है, ये अगर पाई बाय 2 आया है, क्या ये 3 पाई बाय 2 नहीं आएगा? समझ आई आपको क्या बोला मैंने? हां सर, हां सर, हां, और अगर एक एक्सट्रीमेंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं और 3 पाई बाय 2 का फेज एंगल आपको कवर करना है, तो आपने एक्चुअली क्या किया होगा, एक एक्सट्रीमेंट से मीन पोजीशन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से वापस से मीन, हां, डिड यू अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने? Yes, sir. Did you understand everybody? Yes, sir. तो अब ये दोनों को simultaneously अब आपको सोचना है, मतलब ये देखो आपने क्या सोचा अभी तक, कि जब वो यहां से स्टार्ट किया और वो यहां पे पहुंचा, उतनी ही देर में वो इधर से स्टार्ट करके यहां आ गया और फिर यहां भी आ गया, करेक्ट है? Yes, sir. ऐसे करते हैं। अब ये दोनों एक ही साथ होना है, ये दोनों एक साथ होना है, अलग अलग नहीं होना है, इंडिपेंडेंटली नहीं होना है, एक साथ होना है, समझ आ रही है? Simultaneously. अब कैसा दिखेगा आप बताओ मुझे, इधर गया और ये इधर पहुंच गया, आप देखो y कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ी है, आपको दिख रही है y कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ी है, आपको दिख रही है? हां सर, हां सर। और x कोऑर्डिनेट देखो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करके नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, और नेगेटिव एक्सट्रीम जाने के बाद फिर वापस से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, सॉरी मीन पोजीशन पे आ चुका है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी?
आई होप एवरीबॉडी कैन अंडरस्टूड दिस. या बहुत अच्छा सर. ठीक है, अच्छा लगा. हां ठीक है, क्लियर हो गया सभी को. अभी मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा सर. हां सर, क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं अर्जुन, क्या बोल रहे हैं? ग्राफ सीआरटी से ड्रॉ करना अच्छा नहीं होता. अब यही वाला पार्ट क्या नीचे में भी रिपीट होगा? सोचो थोड़ा सा. होगा नहीं होगा? होगा. नहीं, पहले तो ये हुआ होगा कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, राइट? है ना, ये एक हुआ. अब नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, वो इधर से आके फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर पहुंचेगा. वो बात समझ आ रही है? हाँ है ना. हाँ सर, विजुलाइज कर पा रहे हैं? हाँ सर. हाँ सर, फिर नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ में फिर इधर से जाके वो इधर जाएगा, फिर ऐसे जाके फिर इधर आएगा. हाँ सर. और फिर इधर से जाके फिर इधर जाएगा, फिर इधर आके फिर इधर आएगा. और ये कर्व बनेगा आपका, ये है उसका लोकस. समझ आई? दिखने में अच्छा लग रहा है. हाँ, अभी अच्छा. हाँ, अभी मैथ्स वाले देखो, हमने एसएचएम के कॉन्सेप्ट से काफी जल्दी किया है, बट मैथ्स वाला चीज मैथ्स वाले टीचर को अगर आप दोगे तो वो ये नहीं करेगा. मैथ्स वाला टीचर एग्जैक्टली मैंने जो आपको बोला है, आप ट्राई करके देख लेना. आप जिनसे भी मैथ्स पढ़ते हो, आप एक बार देख लेना. हो सकता है वो कुछ एक अच्छी चीज आपको सिखाए कि सर मुझे ये ग्राफ प्लॉट करनी है, मतलब मुझे ये पैरामीट्रिक इक्वेशन उनको बोलना कि सर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक इक्वेशन में पता है और मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए टास्क दिया गया है. तो कम से कम कुछ अच्छी चीज सीखोगे, डेफिनेटली वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे. अच्छा बुरा नहीं होता है, हमेशा लर्निंग होता है. तो आप देखना कि हाँ वो कोई एक बेटर तरीका आपको दिखा पाते हैं नहीं. अगर कुछ बेटर तरीका होगा तो मुझे जरूर बताना. मैं श्योर हूँ कि वो आपको वही बताएंगे कि फंक्शन का आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, आप फंक्शन में स्लोप कहाँ कहाँ जीरो हो रही है वो देखना है, फिर फंक्शन में स्लोप कहाँ पे इनफाइनाइट और अनडिफाइंड हो जा रही है बेसिकली वो चेक करेंगे, एंड उसके बाद फिर वो मैक्सिमम मिनिमा का चेक करके दिखाएंगे आपको. ठीक है, मतलब वही देखना. बहुत टाइम लगेगा. पर बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. एग्जैक्टली बहुत टाइम लगेगा. कुछ ज्यादा ही टाइम टेकिंग हुआ और कॉम्प्लेक्स भी हुआ. बट एनीवेज ठीक है, अभी तो आप समझ चुके हैं ये, तो मैं इसको कंप्लीट बस कर देता हूं. देख के अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर, वही दिखने में बहुत अच्छा लग रही है. देखने में मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है. देख स्क्रीन भी देखने में अच्छा लग रहा है, मेरा ड्राइंग देखने में अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा मैं काम करता हूँ जस्ट इसको थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए. बात भी आपको समझ आना चाहिए ना कि कैसा चल रहा है. हाँ, दिखाने के लिए पहले ऐसे क्या है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वो थोड़ा सा विजुलाइजेशन हो. फिर वो इधर आया है, फिर इधर से. अच्छा नहीं, इसको फिर ब्रेक कर देता हूँ. कलर चेंज, फिर इधर से वो इधर गया. देखो देखो मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों किया ऐसा. आपको समझ आना चाहिए कि मैं why did I do this? आपको बताता हूँ. एरो मार्क सफिशियंट नहीं है. क्यों नहीं सफिशियंट है? देखो अगर सपोजली आप ऐसे फॉलो करते हो, एरो मार्क इधर जा रहा है, देखो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. हाँ उल्टा उल्टा हो जाएगा सर. अब मैं क्या करूं? बस गया, अटक गया. ये नहीं सर, इतना सर याद रह जाएगा कि सर ये नीचे ही नहीं जाएगा. ठीक है, बट ये तो अच्छी बात है आपको. ठीक है, बट आपको लॉजिक तो सबको समझ आ गई ना क्या है हमारी. ठीक है, लॉजिक समझ आ गई. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बस ये एनालाइज किया कि एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा थी. सो जो छोटे फ्रीक्वेंसी था उससे डिसाइड किया. ठीक है, जस्ट ये नोट करने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको नोट करके. सो इन वाई डायरेक्शन व्हेन पार्टिकल रीचेस फ्रॉम 0 to
बी फेज शिफ्ट ऑफ पाई बाई टू टेक्स प्लेस. देयरफॉर ओमेगा इंटू टी इक्वल टू पाई बाई टू. हेंस इन एक्स डायरेक्शन इन सेम टाइम फेज शिफ्ट ऑफ थ्री ओमेगा इंटू टी इक्वल टू थ्री पाई बाई टू टेक्स प्लेस. देयरफॉर पार्टिकल moves from x equal to plus a to x equal to 0 to x equal to minus a to x equal to 0 in this time. आई होप आपको याद रह जाएगा. इतनी इतनी बातों पे तो याद रह जाना है ना. हाँ सर, ये पढ़ के आराम से याद रह जाएगा. हाँ सर, ठीक है, अब आराम से याद रह जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख. अ सिमेट्रिकल ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम हैविंग अ नॉच ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम, छोटा साइज का मानना, इतना बड़ा ब्लॉक दिखा रखा है, वो इतना बड़ा ब्लॉक की तरह नहीं मानना आपको. इज प्लेस्ड इनसाइड द हेमिस्फेरिकल नॉच एंड कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं है. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल एंड द ब्लॉक. स्मॉल ऑसिलेशन आपको कंसीडर करके चलनी है. ठीक है, यू आर कंसीडरिंग स्मॉल ऑसिलेशंस. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको जी दे रखा है. अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं. इसका सिचुएशन पहले एक बार ड्रॉ कर देते हैं. इसको थोड़ा सा लिटिल बिगर डायग्राम में मार्क कर लेंगे. इसको भी कैसा सेंटर करते हैं. जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा पेशेंस. ये वर्टिकल लाइन है जहां पे पहले था, उसका सेंटर एक्चुअली सेंटर पे नहीं है, इसलिए मैंने उसको डिलीट किया. यहाँ पे सेंटर है. ठीक है, दिस इज द सेंटर. एंड पहले अपना बॉब जो है वो वर्टिकल पोजीशन पे था. हमने क्या क्या मान लेते हैं, बॉब को जो है इस वेज के रिलेटिव वर्टिकल से एक सर्टेन एंगल पे डिस्प्लेस करके छोड़ा है. ठीक है, दिस एंगल इज थीटा. सो वेज के रिलेटिव अगर हम बात करें, वेज के रिलेटिव हमने इसको कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये रेडियस आर है तो आर थीटा का डिस्प्लेसमेंट दिया है, राइट? हाँ सर. सो दिस एक्स, इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट की तरह मान रहे, दिस विल बी आर इनटू थीटा, करेक्ट है? देखो थीटा अगर छोटा होगा तो ये एक्स ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा ना. हाँ, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, राइट? फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, क्योंकि उसने कह रखा है वो आपको कंसीडर करके चलना है. फॉर स्मॉल थीटा एक्स विल ऑलमोस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एक्स विल ऑलमोस्ट बी लीनियर. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर इन टू थीटा. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है. यस सर, यस सर. अब इस केस में जब आप इसको छोड़ोगे तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट करके जाएगा. अब ये वेज भी एक्सेलरेट करेगा क्योंकि ये सरफेस पे भी आपका स्मूथनेस है, मतलब यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, ये सरफेस भी आपका स्मूथ है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं. सर, स्क्रीन फ्रीज हुआ क्या? अरे तत लास्ट 10 मिनट में नहीं. हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि इसमें देखो कि सारा सरफेस स्मूथ है तो वेज भी हमारा जो है वो फिक्स नहीं है, वेज इज ऑल्सो मूविंग. ठीक है, ये आपको रियलाइज करने की जरूरत है. तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर एक रिएक्शन पड़ेगी, यहाँ पे ये वेज के ऊपर रिएक्शन पड़ेगी, वही रिएक्शन ऑब्वियसली इसके ऊपर भी पड़ेगी, एक्शन रिएक्शन की तरह. यहाँ पे इसका खुद का एक वेट होगा, स्मॉल एमजी होगा, राइट? ठीक है, और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, आप नोटिस करोगे एन साइन थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये वेज क्या होगा, आपका लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा. आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है?
अरे समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ए से लेफ्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा, और अगर बॉब की बात करें मतलब जो छोटा सा पार्टिकल जैसा दिख रहा है वो रिलेटिव टू वेज, रिलेटिव टू वेज किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा? रिलेटिव टू वेज क्या होगा? डाउन द इंक्लाइन जैसे एक्सेलरेट करता है। हाँ, तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसका एक रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन रिलेटिव होगा, दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ए रिलेटिव जो मैंने मेंशन कर रखा है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू वेज लिखा है। ठीक है, मतलब वेज की जो एक्सेलरेशन है वो तो उसके पास होगी ना, राइट? उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन निकाले तो नेट एक्सेलरेशन विल बी वेक्टर सम ऑफ ए रिलेटिव एंड ए, राइट? है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। अगर आपको कोई बोले, कोई आपको ये बोले कि आप ए रिलेटिव और ए के बीच में रिलेशन फाइंड करो, आप फाइंड कर सकते हैं ए रिलेटिव और ए के बीच का रिलेशन? ए रिलेटिव और ए के बीच का रिलेशन क्या है वो फाइंड करना है, क्या फाइंड कर सकते हैं? नहीं सर, नेट फोर्स इस सिस्टम पे जीरो है ना, इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी है? जीरो। और नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकते, राइट? हाँ राइट। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मैं बोल रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली नेट फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है सिस्टम पे, कॉम्बाइंड मास सिस्टम पे। तो इसका मतलब एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू वेक्टोरियली हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? राइट, फॉर कॉम्बाइंड मास सिस्टम, फॉर कॉम्बाइंड मास सिस्टम नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल इज जीरो, एंड देयरफॉर एम वन ए वन वेक्टर प्लस एम टू ए टू वेक्टर ये अलोंग हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में बात कर रहा हूँ, this should be equal to zero, sorry, equal to zero. समझ आई आपको? समझ आ गई है? हाँ सर, हाँ। Okay. अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पे ये वाली एंगल कितनी आएगी? What will this angle be? Theta, of course. Theta. Right? तो अब इक्वेशन क्या लिखेंगे आप ये बताइए, नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, मतलब कैपिटल M के लिए पहले जो वेज है उसके लिए क्या लिखेंगे आप? एम इन टू ए टूवर्ड्स लेफ्ट है, मैं राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव फॉर अस, so m into a with a negative sign होगा, correct है? correct है। plus अब m2 हमारा small m है और उसका भी तो पीछे की तरफ एक acceleration है, but साथ साथ में right की तरफ भी एक acceleration है, a related का cos theta, and that has to be equal to zero। देखो आपको समझ आई है? हाँ sir। ठीक है, आपके पास जो equation बन रही है वो क्या बन रही है? equation बन रही है capital m plus small m into a is equal to small m into a relative into cos theta। आपको याद है theta छोटा थे, छोटा था ना theta, याद है आपको? तो क्या इसको approximate करके m into a relative लिखा जा सकता है? क्यों? Since theta is small, right? हाँ sir। theta tends to zero, therefore cos theta will tend to one, correct है ना? Yes। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी क्या किया है, a relative और a के बीच में value find कर, relation find किया है। ठीक है, you have just found out the relation between a relative and a। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है आपको, आप देखो स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ, सो इसमें देखो, अगर बाहर से देखोगे तो आपको सिस्टम थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, ये वेज लेफ्ट गया उसके ऊपर ये स्लाइड करके नीचे जा रहा है तो ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट अगर आप वेज के ऊपर चढ़ के देखोगे तो आपको सिस्टम बहुत सिंपल दिखेगा, राइट? दिखेगा नहीं दिखेगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है आपने देखा है, क्या है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे? एक्स, राइट? रिलेटिव टू वेज डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स है ना? हाँ सर। और रिलेटिव टू वेज उसका एक्सेलरेशन क्या है? ए रिलेटिव। हाँ, तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत है कि a relative will be proportional to x, right? आपको समझना है कि आप किसको किससे proportional प्रूव करना है, क्योंकि आप ये नहीं समझेंगे तो आप प्रूव क्या करेंगे? तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत है कि a relative is proportional to x, क्योंकि relative displacement is also x and relative acceleration is also a relative।
तो इसका मतलब ए रिलेटिव हैज टू बी प्रूव्ड प्रूवन टू बी प्रोपोर्शनल टू एक्स. ठीक है? यस सर. ठीक है? यस सर. अब बस यही काम करते हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू वेज अब एनालाइज करेंगे. ठीक है? हम वेज के ऊपर चढ़ जाते हैं, फ्रेम लगा देते हैं वहां. ठीक है? अब वेज के ऊपर जैसे चढ़ोगे अब सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. हाँ सर. सही है. और ये जो सूडो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? करेक्ट है? और अब आप इस डाउन द इंक्लाइन जो रिलेटिव एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उसमें जो नेट फोर्स आएगी इसी को तो रिस्टोरिंग फोर्स बोलोगे. और वो कितना आएगा आप नोटिस करो, एम जी का कितना आएगा? साइन थीटा एन प्लस एम इंटू ए इसका कॉस थीटा आएगा. दिख रही है आपको? हाँ सर. और यही रिस्टोरिंग फोर्स हो गया. अब इसी की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करके निकालना है कि यू नो ए रिलेटिव इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, वो आपको प्रूव करनी है. साइन थीटा प्लस एम. ठीक है? सो देयरफॉर वही चीज आप कर रहे हैं. देखो यहाँ पे सो विथ रेस्पेक्ट टू वेज लिख रहे हैं. ठीक है? विथ रेस्पेक्ट टू वेज जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है अपनी, रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज एम जी साइन थीटा एंड प्लस एम ए का कॉस थीटा. ठीक है? हमें ए चाहिए या ए रिलेटिव चाहिए? ए रिलेटिव. सबसे पहला है कि हम ए को एलिमिनेट करेंगे. ठीक है? सबसे पहला चीज यही करना है, हमें ए को रिलेटिव एलिमिनेट करना है. F restoring force को mass into acceleration लिख लेते हैं. ये acceleration क्या होगा? Relative होगा. F जो हमने force निकाला है restoring वो क्या है? Relative to wedge ही निकाला है ना. तो acceleration भी आपको क्या लेना पड़ेगा? जब force को mass into acceleration substitute कर रहे हैं तो air relative भी substitute करना पड़ेगा. समझ आ रही है? आप देखो ना हमने किधर लिया है, इधर ही तो force लिया है. और इस direction का acceleration क्या लिया हमने? Air relative ही तो लिया ना. हाँ सर. ठीक है? तो वही चीज लिख रहे हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में अब ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली एम जी इंटू थीटा एन प्लस एम इंटू ए चाहिए तो ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. दिस इज एम इंटू ए रिलेटिव डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. ठीक है ना? ठीक है. हां सर. ठीक है? और कॉस थीटा की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे? 1. ठीक है? यहां से देखो ये एम तो हट गया, यहां से निपट गया, ये एम हट गया. ठीक है? और नेक्स्ट स्टेप अभी लिखें तो अभी ये वाला आरएचएस वाला एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में लाओ तो ए रिलेटिव को कॉमन आउट कर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस ऑफ स्मॉल एम बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एंड दिस विल बी इक्वल टू जी इनटू थीटा. थीटा कितनी है? एक्स बाय आर. करेक्ट है? करेक्ट है. हां सर. देखो आपका प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आई है दैट इज कम आउट टू बी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम divided by capital M into G by R and this whole quantity multiplied with X. कि हमने SHM prove कर दिया? Yes. And yes. Period अभी time period निकालना था तो time period कितनी आ जाएगी? 2 pi root under of R. capital M into R divided by small m plus capital M into G. हो गया answer. ठीक? ठीक है? हाँ sir. ठीक है. चलो अभी टाइम ऑलरेडी अप हो गया है. ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ. ठीक है? ठीक है. ओके. ठीक है सर. सर ये हम कर पाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1%? नहीं नहीं ऐसा नहीं. ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत कोरिलेटेड है आपका पिछले, मतलब पिछला एक क्वेश्चन से. ये वाले क्वेश्चन से कहा गया था वो बुलेट को नीचे से फायर किया ये वाला इससे कोरिलेटेड है. तो अगर आपने ये अच्छे से समझा है, बशर्ते आपने ये अच्छे से समझा है, तो वो 100% हो जाएगा. 100% मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 100% है. ठीक है? उसके ऊपर वाला का उसका ये वाला जो है, ये वाला आपको थोड़ा सा कोरिलेट करना है, थोड़ा सा कोरिलेट करना है, बट इसमें मास दिया हुआ है. ठीक है? इसका ध्यान रखना, इसका मास दिया हुआ है. पिछले वाला वो मासलेस था. इसमें जो सिचुएशन है वो सिमिलर टू ऐसा कुछ होगा. कहा गया इसमें जो ऑसिलेशन हो रहा था वैसा ही कुछ ऑसिलेशन वहां पे होगा, बट एनालाइज करने का थोड़ा तरीका आपको थोड़ा सा डिफरेंट लेना पड़ेगा. ठीक है? ओके, ट्राई करेंगे. ठीक है? बस ट्राई करिए. आप नहीं बनेगा तब तो मैं हूं ही अगली बार. ठीक है? ठीक.